हेलो बच्चों वेलकम बैक तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस uh, चैप्टर के बारे में इसमें मैंने क्लास फाइव और सिक्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है तो ये है क्लास सेवन के लिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल तो चैप्टर का नाम है बेटा फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स और ये उन बच्चों को काम में आएगा जो बच्चे एन की बुक्स फॉलो करते हैं जहां पे लिटरली पूरी एन की बुक्स ही फॉलो होती हैं उसके लिए चैप्टर बहुत इजी है बहुत अच्छा है चैप्टर ठीक है चले देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है अगर कोई भी नंबर ना कोई भी नंबर आप इस तरह से ऐसे लिखो ऊपर एक नंबर लिखा और एक नंबर नीचे लिखा तो आपने ये फ्रैक्शन में लिखा है ऐसा मतलब कि जैसे अगर मैंने ये लिखा थ्री अपॉन टू तो जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं न्यूमरेटर ठीक है और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर ये सिर्फ हम लोग रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो क्लास सिक्स में भी आपने पढ़ा होगा क्लास फाइव में भी हो सकता है पढ़ा हो अब जहां पे आपका न्यूमरेटर देखो फ्रैक्शन की भी अलग अलग टाइप्स है ना तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले आता हूं आपको फ्रैक्शन के अलग अलग जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं होल्ड ऑन तो बेटा फ्रैक्शन के जो टाइप्स हैं वो देखते हैं ठीक है वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन ये आपका सिर्फ रिविजन हो रहा है इसीलिए मैं आप लोग को ये फटाफट पढ़ा दूंगा फर्स्ट होता है अगर कोई फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन आई होप आपका ये अच्छे से रिवाइज हो जाएगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है अब इसी का उल्टा अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हो मान लो ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर सपोज छोटा है तो इसको बोलेंगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है इसके अलावा भी होता है ना एक नंबर यस इसके अलावा भी एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होगा देखो मिक्स फ्रैक्शन में ना क्या होगा एक आपको कोई सिंपल होल नंबर दिया होगा सपोज यहां पे दिया है सेवन और इसके साइड में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो सेवन होल नंबर है और इसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इस तरह का जब होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन ठीक है ओके okay? अब आगे देखते हैं बेटा अब कुछ और भी टाइप के फ्रैक्शन होते हैं जिसमें सपोज यहां पे है सेवन अपॉन टेन तो अगर जिन फ्रैक्शन में नीचे टेन आता है ठीक है या फिर हंड्रेड ठीक है या फिर थाउजेंड मतलब टेन का मल्टीपल टेन आता हो या फिर टेन का मल्टीपल आता हो और मल्टीपल ऑफ टेन तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या बोलते हैं बेटा ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन तो सर डेसिमल फ्रैक्शन में क्या ये भी हो सकता है टू अपॉन हंड्रेड हां टेन का मल्टीपल है ना हंड्रेड हो सकता है फिफ्टीन अपॉन टू हंड्रेड यस टेन का मल्टीपल ठीक है तो जो भी नीचे टेन का मल्टीपल अगर है तो वो फ्रैक्शन एक डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है ठीक है फिर इसमें देखते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे है ना अगर मुझे फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा हाउ कैन आई कंपेयर फ्रैक्शन कंपेर फ्रैक्शंस इसके बाद बेटा हम लोग ना एक्सरसाइज भी सॉल्व करने वाले हैं सो डोंट वरी मैं ट्राई करूंगा एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन को कवर करने के लिए अब फ्रैक्शन को अगर आप कंपेयर कर रहे हो एक फ्रैक्शन है ये ए अपॉन बी और दूसरा फ्रैक्शन है सी अपॉन डी ठीक है तो ये दोनों फ्रैक्शन में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है मुझे नहीं पता बट एक फॉर्मूला है एक फॉर्मूला है जिससे आप तुरंत इट दे कर पाओगे देखो d और a को मल्टीप्लाई करो a और d को मल्टीप्लाई करो एक तरफ दूसरी तरफ आप मल्टीप्लाई करो b और c को इस साइड ठीक है बेटा तो इनमें से अगर आपका आंसर ये आता है कि भाई ad का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर बड़ा है तो ad के ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है a अपॉन बी इसका मतलब के ए अपॉन बी बड़ा है सी अपॉन डी से और राइट ठीक है तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बता दूं तो ठीक रहेगा सपोज यहाँ पे है टू और यहाँ पे सपोज है सेवन यहाँ पे है फाइव यहाँ पे है टू ठीक है तो इसमें देखो आप ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया ताकि आपको एटलीस्ट दिखा सकूं कि भाई ऐसा होता है ओके okay. ये आपके लिए शॉर्टकट पड़ेगा ना नाइ याद रखने के लिए देखो टू और सेवन को मल्टीप्लाई करो क्या होता है टू और सेवन को आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आया आपका और और इस तरफ को मल्टीप्लाई करो फाइव और टू को मल्टीप्लाई किया आपका आंसर क्या आया टेन तो फोर्टीन और टेन दोनों में से बड़ा कौन है फोर्टीन बड़ा है तो फोर्टीन इज ग्रेटर देन टेन इसका मतलब के आपका जो ऊपर है ये टू अपॉन फाइव सो टू अपॉन फाइव इज ग्रेटर देन टू अपॉन सेवन ठीक है बेटा तो ये कितना इजी कॉन्सेप्ट है ना कैसे हम लोग आराम से फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं चलो आप अपना खुद ट्राई कीजिए यहां पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए चलो ओके आई एम गिविंग यू टाइम यू कैन ट्राई टू सॉल्व इट ओके आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं चलो टाइम ओवर पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इन टेन तो क्या आंसर आएगा थर्टी अब सेवन इंटू टू मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आएगा फोर्टीन तो थर्टी और फोर्टीन में कौन बड़ा है थर्टी बड़ा है ना थर्टी बड़ा है मतलब ऊपर इज ग्रेटर देन सो इजी है ना ऐसी का अगर उल्टा होगा तो आप भी कर सकते हो डिफरेंट टाइप का चलो क्वेश्चन देता हूं ताकि थोड़ा लगे कि यार ये सेम सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं करने सर है ना दूसरे क्वेश्चन चलो दूसरे क्वेश्चन करते हैं इसमें सपोज ये नंबर है यहां पे आप, आप मुझे जानबूझ के यहां पे ऐसा कुछ नंबर देना चाहिए ताकि लगे कि हाँ भाई चलो टू अपन नाइन और सेवन बाय टेन इनमें से बड़ा कौन है टू बाय नाइन और सेवन बाय टेन इनमें से बड़ा कौन है इनमें से बड़ा है कौन सा वाला नंबर देखो चलो देखते हैं टू और टेन को मल्टीप्लाई करते हैं टू और टेन को आपने मल्टीप्लाई किया आंसर आपका आया ठीक है 9 और 7 को आप मल्टीप्लाई करते हो नाइन और सेवन को मल्टीप्लाई किया 9 63, तो ऑब्वियसली ट्वेंटी और सिक्सटी थ्री में से बड़ा कौन है सिक्सटी थ्री बड़ा है ना इसका मतलब के आपका जो ये फ्रैक्शन है अपॉन टेन वो बड़ा है तो आप क्या इसको बोलते हो टू बाई नाइन इज लेस देन सेवन बाय इस तरह से कंपेयर करते हैं बेटा लेकिन अगर ऐसा हो के दोनों इक्वल हो तो सपोज मैं बताता हूं यहां होल्ड ऑन नहीं ये नहीं ये वाला सम नहीं सपोज टू यहां पे फाइव है यहां पर फाइव और यहां पे टू ठीक है सेम oh, हो गया ना अगर इनको भी सॉल्व करोगे ऐसे तो इस तरफ भी आप क्या लिख रहे हो टू इंटू फाइव इस तरफ क्या लिख रहे हो फाइव इंटू टू ठीक है दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो ये दोनों जो फ्रैक्शन है वो सेम फ्रैक्शन है राइट दे आर इक्वल फ्रैक्शन काफी इजी था ये तो काफी वैसा एकदम के सर ये तो हमें आता है पहले से चलो अब अगर फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना हो या सब करना हो तो आप कैसे करोगे हाउ कैन यू डू एडिशन और सब्ट्रेक्शन ऑफ फ्रैक्शन ये आपके सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज हो जाएंगे जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं अगर आपको दो फ्रैक्शन को एड करना है सपोज ये वाला फ्रैक्शन है एक थ्री बाय सेवन और सपोज टेन बाय सेवन तो आपको शायद याद होगा हो सकता है जहां पे डिनोमिनेटर सेम आता है जहां पे डिनोमिनेटर सेम हो जैसे यहां पे भी सेवन है यहां पे भी सेवन है तो इन फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं बेटा इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस व्हाट दे आर कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शंस और लाइक like फ्रैक्शंस को ही आप ऐड कर सकते हो ठीक है लाइक फ्रैक्शंस को ही आप ऐड कर सकते हो तो आप पूछोगे सर अगर लाइक like फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं खाली तो बाकी सारे फ्रैक्शंस को ऐड नहीं कर सकते कर सकते हैं बेटा बाकी सारे जो फ्रैक्शन होंगे ना उनको पहले आप लाइक like फ्रैक्शन बनाओगे फिर आप एड या सब्ट्रैक करोगे क्लियर ठीक है तो इनको आप एड कर सकते हो यस थ्री बाय सेवन प्लस टेन बाय सेवन तो जहां पे इस तरह से लाइक like फ्रैक्शन है उनमें आप डायरेक्टली क्या करते हो उनमें आप डिनोमिनेटर वैसे रहने देते हो और न्यूमिनेटर को एड करते हो ना थ्री प्लस टेन कितना हुआ थर्टीन अपॉन सेवन हो गया एडिशन ठीक है तो इस तरह से हम लोग लाइक like फ्रैक्शन को एड कर सकते हैं और सब करना हो तो सबट्रैक भी कर सकते हैं चलो लेट सी सब हर एक का एक एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ताकि आप लोग का रिविजन हो जाए अच्छे से थर्टीन बाय फाइव और यहां पे है सपोज सिक्स हाँ सिक्स बाय फाइव ठीक है तो दे आर लाइक फ्रैक्शंस हाँ इनमें सब्ट्रेक्शन हो रहा है ओके तो सब्ट्रेक्शन में क्या होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शंस हैं इनको ऐसे लिख दो यहाँ पे नीचे और ऊपर क्या करो ऊपर लिखो थर्टीन माइनस सिक्स तो यहाँ पे क्या आएगा थर्टीन माइनस सिक्स सो यू विल गेट सेवन अपॉन फाइव यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया राइट किस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक लाइक फ्रैक्शंस ये पॉसिबल है अब दूसरा केस ऐसा आता है मान लो के लाइक like फ्रैक्शन नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन जैसे कि सर अनलाइक फ्रैक्शन जैसे यहां पे लिखा हुआ है टू अपॉन सेवन और यहाँ पे है सपोज थ्री अपॉन फोर तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए ना एक तरफ टू अपॉन सेवन है और यहां पे नीचे है फोर uh, तो सेवन और फोर दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है राइट दे आर अन लाइक like फ्रैक्शंस और मैंने जैसे बोला था अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक like फ्रैक्शन बनाओ ठीक है पहले लाइक like फ्रैक्शन बनाओ और फिर उनको एड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं ठीक है लेकिन मल्टीप्लीकेशन के वक्त ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होती बहुत ईजी होता है वो तो चलो ये अनलाइक फ्रैक्शन है इनको पहले लाइक like फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा अब लाइक like फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ता है किसका सर एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो सेवन और फोर सेवन और फोर का एलसीएम आएगा ट्वेंटी एट आई होप आप लोग को एलसीएम तो निकालना आता ही होगा चलो अब आगे देखें अब यहां पे ऊपर तो टू है नीचे सेवन है मुझे नीचे ट्वेंटी एट लाना है तो मैं सेवन के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं तो ट्वेंटी एट हो जाएगा तो इसीलिए आपको टेबल पता होनी चाहिए सेवन फोर जा ट्वेंटी एट अगर आपने नीचे फोर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी आपको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस साइड में भी देख लीजिए चलो नीचे मुझे ट्वेंटी एट लाना है तो मैं फोर के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो ट्वेंटी एट मिल जाएगा फोर को मैं सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा वैसे ही मैं ऊपर भी सेवन से मल्टीप्लाई करूंगा जो नीचे किया वही ऊपर करना है ओके अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो ऊपर ये क्या हो जाएगा टू इंटू फोर इट विल्वेंटी एट यहाँ पे थ्री इंटू सेवन क्या होगा थ्री सेवन ज्वेंटी वन अपॉन फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट वाह अब ये तो दोनों लाइक like फ्रैक्शन बन गए ना नीचे भी ट्वेंटी एट दोनों की तरफ ट्वेंटी ट्वेंटी एट है ना तो आप सिंपली क्या करोगे न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे बस और डिनोमिनेटर एक अकेला रहेगा ऐसा इस तरह से सो ट्वेंटी वन प्लस अपॉन ट्वेंटी एट क्या कुछ कैंसिल हो सकता है नहीं हो सकता सो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके सो इस तरह से फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इनका एडिशन या सब हो सकता है पहले आपको क्या करना होगा अगर लाइक like फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्टली आप एड और सब्ट्रैक्ट कर पाओगे आराम से अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले आप उसको लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर एड या सब्ट्रैक्ट करो उसके बिना हो नहीं सकता चलिए अब देखें आगे अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की लेट्स डू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ओके मल्टीप्लीकेशन बेटा बहुत ईजी है यार जो आपको सामने दिखे उसी के साथ वही मतलब वही आपको मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या सर देखो अगर ऐसा नंबर दिया हुआ है ना कि टू अपॉन फाइव और यहाँ पे दिया हुआ है सपोज सेवन अपॉन थ्री तो इनको मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो आप ये मत करना कि सर फाइव और थ्री का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं होता फाइव और थ्री का एलसीएम आप कब लोगे मतलब जब ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तब मल्टीप्लीकेशन में तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ हाँ अगर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो लेकिन यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा तो टू और सेवन दोनों मल्टीप्लाई होंगे टू सेवन झा फोर्टीन फाइव और थ्री दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा फाइव थ्री झा फिफ्टीन दैट्स इट वी गॉट द आंसर ओके इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ईजी है एक और क्वेश्चन देख लें जरा 15 अपॉन सपोज 15 अपॉन टू यहाँ पे 8 अपॉन 45 फाइव अब मैंने जानबूझ के बनाया है इस तरह का क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा वैरायटी तो आ सके देख सको एटलीस्ट कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं अब क्या हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें फिफ्टीन और एट को और टू और फोर्टी को करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपको पता है कि भाई कैंसलेशन हो सकता है 15 और 45 फाइव कैंसल होगा 15 के टेबल में 45 आता है कि नहीं आता है ना अगर आपको ये ना पता हो तो ये तो देख लो यहाँ पे नीचे फाइव है पीछे फाइव है यहाँ पे भी पीछे फाइव है फिफ्टीन और फोर्टी दोनों किस टेबल में आते हैं वो भी देख लो तो 15 और 45 दोनों फाइव के टेबल में आते हैं ना फाइव थ्री जा फिफ्टीन और फाइव नाइन जोटी वैसे भी कर सकते हो बट जिनको 15 की टेबल आती है उनको पता है कि भाई 15 वन जा 15 15 थ्री जा 45. तो ऊपर वन है यहाँ पे नीचे थ्री है अब इधर टू के टेबल में एट आता है ना हाँ टू फोर जा एट अब देखो ऊपर क्या बचा ऊपर बचा वन और फोर नीचे क्या बचा थ्री सो वन इंटू फोर इज फोर अपॉन थ्री दिस इज द फाइनल आंसर आपको मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो गया किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं अब बेटा देखते हैं डिवीजन कि कैसे डिवीजन होता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन तो किस तरह से किसी फ्रैक्शन को आप लोग डिवाइड कर सकते हो तो वो होगा पॉसिबल इजी है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सपोज यहां पे लिखा हुआ है टू अपॉन फाइव डिवाइड बाय अगर आप यहाँ पे करते हो सपोज थ्री अपॉन फाइव ये कैसे होगा सर बहुत इजी है बताऊ ये आप लोग का रिवीजन चल रहा है लो सिर्फ ठीक है यहां पे लिखा आपने टू अपॉन फाइव वो तो ठीक है अब ये जो डिवीजन की साइन है ना ये डिवीजन की साइन उसके बदले अगर मैं मल्टीप्लाई की साइन चेंज कर दू तो पता है क्या होगा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा उल्टा हो जाएगा फाय अपॉन थ्री ऐसा हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर नेक्स्ट स्टेप में इजी है आप कैंसिल कर सकते हो ना ये नीचे भी फाइव है ये ऊपर भी फाइव है तो ये फाइव और फाइव कैंसिल क्या बचा यहां पे टू अपॉन थ्री बचा तो इस तरह से एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ आप डिवाइड कर सकते हो बट हर एक क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा ना कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं टू बाय फाइव ये एक फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर रहे हो टेन के साथ किसके साथ टेन के साथ आप डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे में क्या करोगे सो so सपोज इस तरह का है क्वेश्चन तो यहाँ पे डिवीजन की जो साइन है ना ये डिवीजन की साइन के बदले अगर आप मल्टीप्लाई की साइन करते हो ठीक है तो जो टेन है ना टेन का रेसिप्रोकल हो जाएगा टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन टेन थ्री का रेसिप्रोकल क्या होता है वन अपॉन थ्री ओके इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं टेन जो है वो वन बाय टेन का रेसिप्रोकल है और वन बाय टेन जो है वो टेन का रेसिप्रोकल है ऐसा तो जब आप डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई की साइन यूज करते हो तो यहां पर आपको रेसिप्रोकल करना पड़ता है ओके okay? ठीक है तो इसी के साथ में यहां पे फिर क्या होगा अपना यहां पे हम लोग लिखेंगे Uh, कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल करो टू फाइजा टेन अब ऊपर क्या बचा ऊपर तो सिर्फ वन बचा और नीचे क्या बचा फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव सो दिस इज आवर आंसर इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन uh, को डिवाइड भी कर सकते हैं इजिली ओके बट बट अगर इस तरह का कोई नंबर है मान लो सपोज अगर ऐसा नंबर है uh, थ्री अपॉन फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड ओके मैं यहां पे फ्रैक्शन के टर्म्स में ही कंसिडर कर रहा हूं खाली तो क्या करेंगे इसको थ्री बाय फाइव लिखा यहां पे मल्टीप डिवाइड के बदले क्या होगा डिवाइड के बदले होगा मल्टीप्लाई तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसा ओके okay. तो थ्री इंटू वन क्या होगा थ्री 5 100 will be 500. You cannot do anything here. आप डेसिमल नहीं, नहीं okay? की बात कर लेते हैं ठीक है डेसिमल में आप क्या कर सकते हो और कैसे कर सकते हो डेसिमल में जैसा कि क्लास फाइव में आपने decimal का चैप्टर देखा होगा और हमारे YouTube चैनल पे भी डेसिमल का एक वीडियो है जो बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें स्टूडेंट्स ने आके पार्टिसिपेट किया है तो वो भी आप लोग देख सकते हो ओके सो सपोज ये एक डेसिमल नंबर है जो मेरे सामने है 2.5 अब ये डेसिमल में आप क्या कर रहे हैं आप इस डेसिमल के अंदर अगर मान लो कि टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टेन से तो क्या होगा तो ये जो डेसिमल है ना, वो राइट right साइड जाएगा कितने स्टेप एक स्टेप क्योंकि एक जीरो है तो एक स्टेप तो टू और फाइव के बीच में था वहां से राइट right साइड गया राइट right साइड जाके किस तरफ आएगा फाइव के पीछे और यहां पे आप जीरो लगाना चाहो तो लगा सकते हो नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो चलेगा ट्वेंटी फाइव ओके वैसे ही एक और सम देखते हैं थ्री पॉइंट सेवन फाइव है और मल्टीप्लाई आप कर रहे हो हंड्रेड से ठीक है हंड्रेड से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है हंड्रेड से पीछे दो जीरो है तो ये जो डेसिमल है ना वो दो स्टेप जाएगा राइट साइड कितने स्टेप दो स्टेप दो स्टेप जाएगा राइट साइड तो दिस विल बिकम यहाँ पे थ्री पॉइंट सेवन फाइव था ना तो ये पॉइंट यहां से हटके वन टू इधर आ गया आप पीछे जीरो लिखना चाहो तो लिख सकते हो अदरवाइज आप ऐसे रहने देना थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ओके अब आप ये खुद ट्राई करो पॉइंट वन टू फाइव फोर इंटू हंड्रेड चलो यू कैन पॉज द वीडियो आप वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो नोटबुक में सॉल्व करने का कम ऑन आई होप आपने ट्राई किया होगा चलो देखते हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग हंड्रेड से मतलब ये जो डेसिमल है वो राइट right साइड जाएगा दो स्टेप कितने स्टेप दो स्टेप क्यों दो स्टेप दो जीरो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पे दो जीरो है तो डेसिमल राइट साइड जाएगा और वो भी दो स्टेप तो अगर डेसिमल राइट साइड जाएगा दो स्टेप तो डेसिमल अब कहां पे लिखोगे किधर लिखोगे डेसिमल यहां पे था जीरो और वन के बीच में यहां से वन टू तो ये क्या होगा 12.54 सर आपने 12.54 ये जीरो को भूल गए क्या देखो आगे इस तरह से जीरो तो दैट इज नॉट काउंटिंग उसका कोई वैल्यू नहीं होता आप ऐसा लिख सकते हो 12.54 दिस विल बी योर फाइनल आंसर तो इस तरह से जब डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हो टेन 10 से हंड्रेड से या थाउजेंड से तो आपने देखना कि यहाँ पे कितने जीरो है क्या अगर टेन है तो डेसिमल राइट साइड जाएगा वन स्टेप अगर हंड्रेड है तो डेसिमल राइट साइड जाएगा दो स्टेप अगर डेसिमल थाउजेंड होता तो सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड होता तो डेसिमल राइट साइड जाता तीन स्टेप ओके चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं आपके क्लास सेवन में एनसीआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज दी गई है सॉल्व करने के लिए वो देखते हैं बेटा एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करें ना ताकि आप एटलीस्ट अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ये questions देख सके और उसको सॉल्व कर सके ओके okay? तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट वन तो एक्सरसाइज टू पॉइंट वन में मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा हर क्वेश्चन में से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको ठीक रहेगा एक्सरसाइज टू पॉइंट वन है इसके अंदर क्वेश्चन वन में आपको क्या करना है आपको ड्रॉइंग करना अच्छा यहाँ पे बताना है कि भाई कौन सी ड्रॉइंग किसको मैच करती है है ना विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी शो इनमें से कौन सी ड्रॉइंग है कौन सी ड्रॉइंग्स है जो शो करती है सपोज ये जो है टू इंटू वन बाय फाइव तो कौन सी ड्रॉइंग है जो ये दिखाती है टू इंटू वन बाय फाइव कौन सी ड्रॉइंग है टू इंटू वन बाय फाइव अब आपको एक क्लियर बता दो ठीक है इसमें चीज वन बाय फाइव मतलब किसी एक चीज को ना पांच में डिवाइड किया गया है कोई एक चीज है जिसके पांच पार्ट्स हैं तो ऐसी कौन सी चीज जिसके पांच पार्ट्स हैं देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है ठीक है इसी सर इसी तरह से ये एक और सर्कल है और उसके पांच पार्ट्स किए गए हैं बेटा कितने पार्ट्स किए गए हैं फाइव पार्ट्स देर आर फाइव पार्ट्स तो पांच पार्ट्स अगर हैं तो इस तरह से ये ये दो पार्ट्स हो गए दो तीन चार और पांच एक्सक्यूज माई ड्रॉइंग बट आप समझ सकते हो ना वन टू थ्री फोर फाइव पांच पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट को शेडो किया हुआ है तो सपोज ये वाले पार्ट को शेडो कर दिया यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे भी है यहाँ पे भी एक सर्कल के पांच पार्ट्स किए गए हैं और उन पांच पार्ट्स, पार्ट्स में से एक पार्ट को शेडो किया है तो ये कितनी बार आया देखो ये वन बाय फाइव ये भी वन बाय फाइव कितनी बार है भाई दो बार है ना राइट right. दो बार है तो ये दो बार आया वन बाय फाइव वन बाय फाइव दो बार आया तो आप क्या लिखते हो टू टाइम्स वन बाय फाइव टू टाइम्स वन बाय फाइव दो बार वन बाय फाइव इजी चलो देखते हैं अब एक और क्वेश्चन देखते हैं टू टाइम्स वन बाय टू मतलब एक चीज है उसके दो पार्ट्स किए हैं ठीक है ठीके? और उसका हाफ पार्ट कलर किया हुआ है मतलब हाफ पार्ट शेड किया हुआ है यहाँ पे भी एक है और उसका हाफ पार्ट शेड किया हुआ है ऐसा ठीक है तो ये कहाँ पे देखता है इसमें ऐसा कहाँ पे है आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन होगा उसमें आप देख सकते हैं बेटा ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन है ना आपके इसमें तो वो है बी वाले में राइट फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है थ्री इंटू टू बाई थ्री वाला कौन सा क्वेश्चन है थ्री इंटू टू बाय थ्री मीन्स वॉट मीन्स कोई एक चीज होगी जिसके तीन पार्ट्स किए होंगे एक चीज के तीन पार्ट्स किए होंगे और उन तीन पार्ट्स में से दो पार्ट में शेडिंग की होगी ऐसा है कहीं पे देखो आप हम्म मिला आपको देखो सर्कल है एक सर्कल के तीन पार्ट्स किए हैं कितने पार्ट्स किए हैं बेटा तीन पार्ट्स छोटा थोड़ा पतला यहां पहले तो हां तीन पार्ट्स किए हैं इसके सर्कल के ओके इस तरह से तीन पार्ट किए और तीन पार्ट में से एक कलर किसको करना है मतलब शेडिंग किसको करनी है टू पार्ट्स को शेड करना है टू पार्ट्स को अगर शेड करना है तो ये एक पार्ट को आपने शेड किया इस तरफ दूसरे पार्ट को शेड किया सो ये क्या बन गया ये बन गया ना टू बाय थ्री और ऐसा टू बाय थ्री कितनी बार है तीन बार है ऐसा तीन बार है मतलब ऐसे तीन सर्कल है राइट तो ऐसे तीन सर्कल होने चाहिए ये दूसरा सर्कल ये तीसरा सर्कल और इन तीनों सर्कल्स में इन तीनों सर्कल्स में भी हर सर्कल के तीन पार्ट्स तो ये तीन पार्ट्स बन गए इसके यहाँ पे इसके तीन पार्ट्स बन गए और हर एक में शेडिंग जो है वो सिर्फ दो पार्ट्स में शेडिंग है ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट तो ये भी बन गया टू बाय थ्री वैसे यहाँ पे ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट तो ये भी बन गया टू बाय थ्री तो टू बाय थ्री कितनी बार आया टू बाय थ्री तीन बार आया है ना तो थ्री इंटू टू बाई थ्री ऐसा हम लोग करते हैं यहाँ पे ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन बहुत ईजी था वैसे तो है ना अब पिक्चर्स वाले क्वेश्चन हम लोग नहीं करते बेटा ठीक है चलो पिक्चर्स वाले क्वेश्चन तो आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री जहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिड्यूस करना है उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है ना उसको रिड्यूस करके लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है फिर उतना ही नहीं अभी और सुनिए लोवेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में चलो देखते हैं तो पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन इंटू थ्री बाय 5. तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सेवन थ्री जा क्या होगा अपॉन 5. सेवन थ्री जा ट्वेंटी अपॉन फाइव ये हो गया अब आप इसको अब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें देखना होता है ना कि भाई ये कट होगा कि नहीं होगा क्या ट्वेंटी और फाइव किसी एक टेबल में आते हैं ट्वेंटी और फाइव ट्वेंटी वन और फाइव किसी एक टेबल में नहीं आते भाई किसी टेबल में ट्वेंटी वन और फाइव एक साथ नहीं आते है ना तो यही इसका लोवेस्ट फॉर्म है यही क्या है इसका फॉर्म फॉर्म तो क्या ट्वेंटी वन अपॉन फाइव अब इसके सिवाय हमें और भी तो करना है हमें क्या करना है हमें हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अगर आपको ये लोवेस्ट फॉर्म मिल गया ट्वेंटी वन अपॉन फाइव उसको क्या करोगे आप डिवाइड करोगे ना ट्वेंटी वन डिवाइडेड बाय फाइव फाइव फोर जा ट्वेंटी तो ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी वन मिलेगा तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना बेटा ये डिनोमिनेटर जो है फाइव वो वैसा का वैसा तो रहेगा जो ये रहा फाइव फाइव के सामने कोशंट क्या है क्वेश्चन आपका क्या आया फोर आया तो वो फोर आप साइड में लिखोगे इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके और लास्ट में रिमाइंडर क्या है वन है रिमाइंडर तो वो वन रिमाइंडर आप ऐसे लिखोगे सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन आई होप आपको ये मेथड समझ में आई तो मैं फटाफट दूसरे क्वेश्चन करा दूं यहां पे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर इंटू वन बाय थ्री सो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे फोर इंटू वन बाय थ्री फोर इंटू वन फोर अपॉन थ्री क्या ये कैंसल हो सकता है तो वन के सिवाय किसी और टेबल में आता नहीं है तो कैंसल नहीं होगा सो दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में है इसके बाद इसको हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हो ना आप तो फोर अपॉन थ्री है तो फोर डिवाइडेड बाय थ्री थ्री वन झा थ्री फोर माइनस थ्री वन तो यहां पे जो ये डिनोमिनेटर है उसको तो आप वैसे ही लिखते हो ना ये रहा फिर ये जो क्वेश्चन है वन उसे आप इस तरह से साइड में लिखते हो थोड़ा सा बड़ा करके और लास्ट में जो रिमाइंडर है उसे आप ऊपर लिखते हो तो हो गया ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया तो आई थिंक आपको ये सॉल्व करना आ गया अब देखते हैं बेटा आगे अब आगे जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में शेडिंग करनी है यार तो वो भी देख लेते हैं चलो ठीक है शेडिंग करना भी आपको इजी पड़ेगा आई थिंक फ्रैक्शन का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप शेडिंग कर पाओगे आराम से क्वेश्चन फोर में क्या करना है यू हैव टू डू शेडिंग शेड करना है आपको जो भी दिया होगा उसके हिसाब से जैसे फर्स्ट है हाफ ऑफ द सर्कल्स हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स वन सॉरी इन बॉक्स बी तो जो बॉक्स बी है उसमें जितने भी सर्कल हैं उसमें आधे सर्कल्स को आपको शेड करना है आधे सर्कल्स को शेड करना है सो लेट्स सी यहां पे मैं एक शेप बना दो क्या चलो ठीक है यहां पे मैंने एक बॉक्स बना दिया ओके इस तरह से बॉक्स बना दिया अब इस बॉक्स के अंदर इस बॉक्स के अंदर जितने भी सर्कल्स हैं वो बना दू मैं कितने सर्कल हैं इसमें आई थिंक ट्वेल्व सर्कल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व अब जितने भी बॉक्स हैं उन बॉक्स में से इन सर्कल्स में से आपको आधे सर्कल्स को शेड करना है हाफ हाफ सर्कल्स को शेड करना है मतलब ये ऐसा सर ये हाफ को शेड कर दिया अरे नहीं जितने भी ये सर्कल्स हैं वो काउंट करो कितने सर्कल हैं ट्वेल्व सर्कल है ना ये फोर ये एट और ये ट्वेल्व तो ट्वेल्व में से ट्वेल्व का आधा क्या होता है ट्वेल्व का आधा क्या होता है सिक्स होता है ना तो आपको सिक्स सर्कल्स में शेडिंग करनी है तो चलो कर लेते हैं सिक्स सर्कल में शेडिंग करनी है वन सर्कल सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स आपने छ सर्कल में शेडिंग कर दी हो गया ठीक है दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है टू बाय थ्री ऑफ द ट्राइंगल तो जितने भी ट्राइंगल हैं उसका टू बाय थ्री ट्राइंगल विच आर गिवन इन बॉक्स इन बॉक्स बी तो बॉक्स बी में जितने ट्राइंगल है उसका टू बाय थ्री करना है चलो तो ये ड्रॉ कर लेते हैं पहले ओके okay. ये मैंने ड्रॉ कर दिया अब इसके अंदर अगर मैं ट्रायंगल बना सकूं तो इजी रहेगा आराम से बन सकता है लेट अस सी यहां पे बन जाएगा क्या हाँ बन तो गया बट 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 कलरिंग विल बी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं हाँ अब ठीक रहेगा अब ऐसे ट्राइंगल कितने हैं आप तो देख सकते हैं आपके बुक के अंदर कितने ऐसे ट्राइंगल हैं ऐसे आई थिंक ऐसे नाइन हाँ, नाइन ट्राइंगल हैं ऐसे राइट चार पाँच सात, आठ और एक ठीक है इन सभी ट्राइंगल को इन सभी ट्राइंगल को मैं अरेंज कर देता हूँ अरे भाई जा जल्दी यहाँ पे हाँ वेरी गुड ठीक है चलो आ जाओ ठीक okay. 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 yes. है तो हमने इस तरह से अरेंज कर दिया अब इसके बाद क्या क्या इसमें बोला क्या है देखो क्या बोला है इसमें इसमें बोला है कि, यू हैव टू शेड टू बाय थ्री ऑफ द ट्राइंगल इन द बॉक्स कितने ट्राइंगल है बेटा इसमें नाइन ट्राइंगल्स है, है ना नाइन ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल so का टू बाय थ्री सो टू बाय थ्री ऑफ द ट्राएंगल इन द बॉक्स कितने ट्राइंगल है 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 का करना ओके तो मतलब ये नाइन ट्राइंगल्स को आप कितने पार्ट्स में कन्वर्ट करोगे थ्री पार्ट्स में मान लो ऐसे थ्री पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया ये एक पार्ट ये दूसरा और तीसरा है ना फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हो गया तीन पार्ट में कन्वर्ट उसमें से दो पार्ट्स में शेडिंग करनी है मान लो मैंने ये इस वाले पार्ट में तो और इस वाले पार्ट में शेडिंग कर देता हूं ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी शेडिंग के लिए थोड़ा सा मोटा यहाँ पे हाँ ठीक है तो यहाँ पे ये शेडिंग कर देते हैं। हम लोग इस तरह से आपने ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में शेडिंग कर दी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दो पार्ट में आपने शेडिंग की टोटल कितने पार्ट्स थे यहाँ पे तीन पार्ट्स। ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट राइट सो हो गया पूरा फिनिश ठीक है अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव में देखो क्या कहना है हमें क्वेश्चन फाइव में यहां पे फाइंड करने को बोला है व्हाट इज गिवन हियर फाइंड जैसे यहां पे लिखा हुआ है वन बाय टू ऑफ ऑफ क्या वन बाय टू ऑफ ट्वेंटी फोर और दूसरा फोर्टी सिक्स तो बहुत इजी है ना आपको करना क्या है इसमें आपको वन बाय टू करना है मतलब हाफ करना है उसका राइट right? तो यहाँ पे कर लेते हैं वन बाय टू ये ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई पहले हम लोग ये करेंगे देखो वन बाय टू ऑफ ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का हाफ बेटा यहाँ पे देखो टू जो है ट्वेंटी फोर कट होगा ना टू ट्वेल्व तो क्या बचा हमारा ट्वेल्व बचा दैट इज द आंसर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट सिक्स वन बाय टू ऑफ फोर्टी सिक्स क्या होगा तो फोर्टी सिक्स का हाफ है तो टू यहां पे है यहां पे सिक्स है तो दोनों कट हो सकते हैं ना आराम से कैसे कट होंगे देखो टू टू जा फोर टू थ्री जिक्स सो व्हाट इज योर आंसर ट्वेंटी थ्री चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इसमें बोला है थ्री बाय फोर ऑफ यू है और दूसरा थर्टी सिक्स चलिए तो थ्री बाय फोर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका सिक्सटीन का तो थ्री बाय फोर ऑफ सिक्सटीन अब ध्यान देना डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे कि सर 48 एट अपॉन फोर नहीं चलेगा फोर के टेबल में सिक्सटीन आता है ना बेटा है ना सो फोर फोर जा सिक्सटीन कट हो गया ऊपर क्या बचा ऊपर थ्री और फोर बचा तो थ्री और फोर क्या होता है थ्री इंटू फोर इज ट्वेल्व दिस इज योर आंसर तो आपके मन में होगा सर नीचे कुछ लिखना पड़ेगा नहीं नीचे आप अगर लिखना है तो खाली वन लिख सकते हो दैट इज इनफ ठीक है सो so, यहाँ पे ईजीली कन्वर्ट कर देंगे आराम से थ्री बाय फोर ऑफ थर्टी सिक्स सो कैन यू कैंसल यस फोर नाइन थर्टी सिक्स है ना सो फोर नाइन थर्टी सिक्स ऊपर क्या बचा थ्री इंटू नाइन दट इज ट्वेंटी सेवन आप ट्वेंटी सेवन लिख लीजिए या फिर आप ऐसा करिए ट्वेंटी सेवन अपन वन तो भी चलेगा या फिर आप अकेले खाली ट्वेंटी सेवन लिखेंगे ना तो भी चलेगा बेटा ओके okay? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्योंकि सब क्वेश्चन अगर करा दूंगा तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें क्या करना है यू हैव टू डू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस मल्टीप्लाई करके आपको एक्सप्रेस करना है एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लास्ट में आंसर लाना है ऐसा तो पहले क्या करना है पहले मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आंसर आना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चलो तो देखें यहां पे क्वेश्चन थ्री इंटू फाइव इस तरह का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक में तो पहले इसको सॉल्व करेंगे ये जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना उसको पहले सॉल्व करेंगे कौन सा ये वाला जो है उसे सॉल्व करते हैं तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी सिक्स तो यहां पे लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स अपॉन डन तो इसे सॉल्व कर दिया अब इसको सॉल्व करते हैं कि 3 into 26 upon five. कुछ कट होगा क्या कुछ भी कट नहीं होगा यहाँ पे ट्वेंटी नहीं थ्री और फाइव कट हो सकता है नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और आंसर लाओ थ्री इंटू ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव थ्री सिक्स कैरी वन थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन सो सेवेंटी एट अपॉन फाइव आया सो so, ये आपका आंसर तो आ गया बट हमें मिक्सड फ्रैक्शन के फॉर्म में लाना है कौन से फॉर्म में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में बेटा तो सेवेंटी एट अपॉन फाइव को अगर मैं मिक्सड फ्रैक्शन के फॉर्म में लाऊँ तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा ना सेवेंटी एट डिवाइड बाई फाइव सो सेवनटी एट डिवाइड बाई फाइव करते हैं चलो फाइव वन सा फाइव होगा सेवन माइनस फाइव टू बचेगा ये जो एट है वो नीचे आएगा आई होप आपको डिवाइड करना आराम से आता है इसलिए मैं ये फटाफट करा दे रहा हूं सो फाइव इंटू फाइव इज ट्वेंटी ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी कितना बचा थ्री बचा दैट्स इट अब रुक जाओ क्योंकि अब यहां पे नीचे कुछ साइड में कुछ बचा नहीं है सो so, क्या करते हैं आप ये जो फाइ है वो आप यहां पे ऐसे लिखेंगे जो ये रहा उसके बाद जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन आपका क्या है फिफ्टीन वो फिफ्टीन आप इस तरह से साइड में लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा और लास्ट में जो आपका रिमाइंडर बचता है ना ये थ्री उसे आप यहां लिखेंगे ठीक है डन तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट ठीक है इस तरह से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूं ठीक है एक और क्वेश्चन मेन क्या है कि आपको एक बार आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं फिर आप कोई भी तरह के क्वेश्चन फिर सॉल्व कर पाओगे राइट तो ये एक क्वेश्चन है इसे हम देखते हैं सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे इस वाले को सॉल्व करोगे ये मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो उसको पहले सॉल्व करते हैं फोर सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन फोर लिख देंगे अब देखते हैं क्या कुछ कट हो सकता है क्या कुछ भी फाइव और फोर नहीं 5, 27, ऐसे स्टार्ट ऐसे सामने सामने तो कभी कट हो नहीं सकता ट्वेंटी सेवन और फोर कट हो सकता है नहीं सो so, आपको क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेवन और अपॉन फोर राइट सो वॉट विल बी दियर सेवन फाइव थर्टी फाइव कैरी थ्री फाइव टू झा टेन प्लस थ्री थर्टीन So, क्या आ रहा है हमारा वन थर्टी फाइव अपन फोर आ रहा है ठीक है तो वन थर्टी फाइव अपन फोर आ रहा है अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी तो कन्वर्ट करना है तो यहां पे चलो कर लेते हैं वन थर्टी फाइव डिवाइड बाय फोर करो फोर है यहाँ पे यहां पे थर्टीन है फोर थ्री जा ट्वेल्व वन बचेगा ये फाइव नीचे आएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री बचेगा अब कुछ नीचे आएगा क्या कुछ भी नहीं दैट्स इट तो रुक जाओ ये जो नीचे फोर है वो फोर यहां पे रहने देंगे ये रहा वो फोर और क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में थर्टी थ्री है तो थर्टी थ्री आप यहां पे साइड में लिख दो नीचे रिमाइंडर क्या आया थ्री दिस इज योर आंसर ठीक है तो ये मेथड मैंने बता दिया अब आप आगे खुद ट्राई करना सॉल्व करने के लिए और राइट लेट सी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन सेवन में हमें देखना है क्या करना है क्वेश्चन सेवन में फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया ठीक है फाइंड वन बाय टू ऑफ वन बाय टू ऑफ टू थ्री बाय फोर और यहां पे दिया हुआ है फोर टू बाय नाइन ऐसा तो चलो ये भी सॉल्व करें पहले ये फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं बेटा वन बाय टू ऑफ तो वन बाय टू ऑफ टू थ्री बाय फोर पहले ये हटा देते हैं ये जो ऑफ है ना ऑफ का मतलब क्या होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ये कर दिया अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं ना फोर टू जा एट एट प्लस थ्री एट प्लस थ्री विल बी इलेवन अपॉन फोर क्या ये कहीं पे भी कट हो सकता है नहीं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट तो वन इंटू इलेवन इलेवन टू इंटू फोर एट दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है फिर यहां पे. फिर से हमें ये देखना होगा ना वन बाय टू ऑफ सो वन बाय टू ऑफ फोर टू बाय नाइन तो पहले ऑफ को हटाओ ऑफ के बदले मल्टीप्लाई फिर नाइन फोर होता है थर्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स टू इज थर्टी एट थर्टी एट अपॉन नाइन क्या कुछ कैंसिल हो सकता है यहां पे? हाँ हो सकता है नाइन और थर्टी एट नहीं नहीं टू और थर्टी एट कैंसल होगा कैसे होगा सर देखो थर्टी एट डिवाइड बाई टू करो पीछे यहाँ पे ये इवन नंबर है ना तो आराम से होगा टू वन झा टू थ्री माइनस टू वन बचा एट नीचे आएगा टू नाइन जा एटीन वैसे जिसको नाइनटीन की टेबल पता है वो आराम से कर लेगा इसको टू नाइनटीन झा थर्टी एट तो ऊपर क्या हुआ ऊपर वन और नाइनटीन है तो वन इंटू नाइनटीन इज नाइन टेन अपॉन नाइन नाइनटीन अपॉन नाइन आया बेटा अब हमें क्या करना चाहिए यहां पे मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं बट बोला नहीं है ना आपको कन्वर्ट करने के लिए खाली फाइंड करने के लिए बोला है सो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके तो ये तो हो गया क्वेश्चन सेवन का ए इतना क्वेश्चन सेवन का बी फाइव बाय एट ऑफ थ्री फाइव बाय सिक्स सेकेंड नाइन टू बाय थ्री चले देखें आगे यहां पे तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइव बाई एट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर देखते हैं बेटा सिक्स जा एटीन एटीन प्लस फाइव एटीन प्लस फाइव इज ट्वेंटी थ्री होल्ड अपॉन सिक्स क्या कुछ कैंसल हो सकता है नहीं तो यहां पे कैंसल नहीं होगा ना कुछ तो आप कैंसल नहीं होगा तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हो और हाँ जहां पे आपको लगे कि यार ये मैं मिक्स फ्रैक्शन को मैं इस फ्रैक्शन को मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं तो करो नाइन है नाइन इंटू टू एटीन नाइन टू जाटीन एटीन प्लस वन नाइनटीन ये मैंने डायरेक्टली किया आपको इम प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो मैं सिखा चुका हूँ इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया हर एक को आप कर सकते हो mixed fraction में कन्वर्ट कर देना eight है यहाँ पे eight eight plus three, 11. तो आप दोनों लिखना आप ये भी लिख देना फिर बाद में ये भी लिख देना ठीक है ताकि आपके टीचर को जो आंसर चाहते हैं वो आंसर जो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल जाए आराम से है ना फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री क्या होगा फाइव इंटू ट्वेंटी थ्री सो फाइव थ्री फिफ्टीन कैरी वन फाइव टू 10 टेन प्लस वन इलेवन एट सिक्स एट दिस इज इट इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सो वन हंड्रेड फिफ्टीन डिवाइड बाय फोर्टी एट फोर्टी एट टू नाइनटी सिक्स होगा राइट तो फोर और फिफ्टीन विल बी नाइनटीन तो इस तरह से आप लिखोगे 48 एट यहां पे लिखोगे 2 और इधर लिखेंगे जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर ठीक है वैसे आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं नेक्स्ट कलर चेंज करें एक ही कलर से अच्छा नहीं लगता यार लेट्स सो so 5 बाय एट ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 9 2 बाय थ्री So, पहले आप क्या करोगे पहले आप ये लिख दो इस तरह से नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन यार मैं ट्वेंटी सेवन लिखने जा रहा था ठीक <laughs> है तो हाँ ट्वेंटी नाइन अपॉन थ्री कुछ कैंसिल हो सकता है क्या नहीं कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई करो फाइव इन ट्वेंटी नाइन फाइव नाइन सा फोर्टी फाइव 5 नाइन फोर्टी फाइव कैरी 4 5, are, 5 10 2, 10 4 फाइव टू जेन प्लस टू टेन प्लस फोर फोर्टीन एट ट्वेंटी फोर ठीक है तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा क्या करोगे आप वन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं ना इस तरह से सो ट्वेंटी फोर इंटू सम नंबर शुड गिव यू वन फोर्टी फाइव और वन या तो वन फोर्टी फाइव से छोटा कोई नंबर है ना तो 24 फोर इंटू या फिर 24 फोर इंटू अगर मैं सिक्स करूं तो कितना आएगा 144 बचेगा वन तो आप यहां पे 24 लिख दीजिए यहां पे सामने सिक्स है तो ये सिक्स इस तरफ आ जाएगा और ये जो वन है रिमाइंडर में वो यहां पे आ जाएगा डन ठीक है हो गया तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व किया उसके बाद एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर एट वर्ड प्रॉब्लम है विद्या एंड प्रताप वेंट टू वेंट फॉर अ पिकनिक तो विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए जाते हैं Their mother, पे मैं लिख दूं। विद्या और प्रताप ठीक है दोनों पिकनिक के लिए जाते हैं तो इनकी जो मम्मी है वो इनको वॉटर बॉटल देती है वॉटर बॉटल में पांच लीटर पानी होता है ओके तो वाटर बॉटल में पांच लीटर पानी, तो पानी होता है कितना पांच लीटर पानी होता है अब उसमें से जो विद्या है विद्या टू बाय फाइव कंज्यूम करती है टू बाय फाइव ऑफ कितना और जो प्रताप है तो प्रताप के लिए कितना बचेगा वो फाइंड आउट करना है ठीक है चलो देखते हैं तो विद्या ने कितना कंज्यूम किया टू बाय फाइव ऑफ फाइव लीटर्स तो मैं यहां पे लिखता हूं टू बाय फाइव ऑफ फाइव लीटर्स इस तरह से ये फाइ ये फाइ कट गया टू बचा तो विद्या ने टू लीटर्स कंज्यूम किया कितना था फाइव लीटर्स था उसमें से टू लीटर्स कंज्यूम कर लिया तो प्रताप के लिए कितना बचा वॉटर लेफ्ट फॉर प्रताप वॉटर लेफ्ट फॉर प्रताप पांच लीटर था उसमें से टू लीटर्स विद्या पी गई कितना बचा थ्री लीटर्स है ना तो आपको इसमें दोनों आंसर मिल गए एक तो आंसर मिला कि विद्या को कितना विद्या ने कितना पानी पिया टू लीटर्स और कितना पानी प्रकाश प्रताप ने पिया थ्री लीटर्स बट ये जो थ्री लीटर है वो फाइव लीटर का कितना फ्रैक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है है ना फाइव लीटर्स का वो कितना फ्रैक्शन है वो हमें नहीं पता ना सो so, थ्री लीटर इज वॉट फ्रैक्शन ऑफ फाइव लीटर्स ये है ठीक है ये पूछा है कि जो थ्री लीटर है ना वो फाइव लीटर का कितना फ्रैक्शन है तो इसको आप कैसे सॉल्व करते हो नेक्स्ट पेज पे करू मैं थ्री लीटर्स इज वॉट फ्रैक्शन ऑफ फाइव लीटर्स सो ये जो है ये आपको फाइंड आउट करना है राइट right? यहां पे जो फाइव है वो मल्टीप्लाई हो रहा है फाइव जब उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा ना तो यहां पे आपका आंसर मिल गया थ्री बाय फाइव सो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया प्रताप ने थ्री बाय फाइव ऑफ वॉटर कंज्यूम किया कंज्यूम्ड बाय प्रताप ओके okay? इसके बाद हम लोग बेटा देखेंगे एक्सरसाइज टू पॉइंट टू ठीक है तो ये आपको पूरा इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि पूरा मैं चैप्टर सॉल्व कर दूं, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं एटलीस्ट आपको सॉल्व करके दिखा दूं क्योंकि आपके बुक के अंदर पांच एक्सरसाइज है टू तक है तो हर एक में से में ना मैं हर क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, है ना yes, बच्चों तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्साइज 2.2 और एक्साइज 2.2 में जो क्वेश्चन है वो सारे हम लोग सोल्व करेंगे इसमें सो लेट्स डू इट ठीक है सबसे पहला ये क्वेश्चन है वन बाय फोर ऑफ वन बाय फोर ठीक है तो इसको यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाय तो मैंने यहाँ पे लिखा वन बाय और ये जो ऑफ है ना उसके बदले मैं लिखूंगा मल्टीप्लाय और फिर लिख दूंगा वन बाय तो इसको आगे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू वन क्या होगा वन होगा और फोर इंटू फोर क्या होगा सिक्सटीन क्या इसके आगे कट हो सकता है कुछ भी नहीं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वन बाय फोर ऑफ थ्री बाय फाइव राइट तो मैं यहां पे लिखता हूं वन बाय फोर और थ्री बाय फाइव यहाँ पे है आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई कुछ कट हो सकता है क्या यहां पे ऊपर नीचे इधर नहीं कट हो सकता राइट right? तो डायरेक्टली आप क्या करोगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे वन इंटू थ्री दैट विल बी थ्री फोर इंटू फाइव इट विल बी ट्वेंटी तो थ्री अपॉन ट्वेंटी क्या ये थ्री अपॉन ट्वेंटी कुछ कट हो सकता है नहीं तो दिस इज इट फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी वन बाय फोर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री तो आपको पता है बेटा यहाँ पे फोर ये जो है नीचे और ये ऊपर ये कट हो सकता है तो बचा क्या वन अपॉन थ्री दैट्स इट अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे वन बाय सेवन वाले पे तो यहां पे वन बाय सेवन है तो मैं यहां पे लिखता हूं वन अपॉन सेवन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे टू अपॉन नाइन तो आगे देखते हैं वन इंटू टू दैट इज टू सेवन नाइनजा सिक्सटी थ्री कुछ कट हो सकता है क्या कुछ भी नहीं कट हो सकता राइट तो दिस इज द फाइनल आंसर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वन बाय सेवन ऑफ मींस मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन फाइव सो वन सिक्स जा सिक्स सेवन फाइव जा थर्टी फाइव आई होप आप लोग भी इसके साथ सॉल्व कर रहे हो क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो इस आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप देख भी लेंगे कि आपका सम कहाँ पे रॉन्ग है कहाँ पे राइट है क्या मिस्टेक की है ठीक है चलिए वन बाय सेवन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई फिर थ्री बाय टेन स्टिल इन सब में भी आप कुछ कट नहीं कर सकते सेवन और थ्री कट नहीं कर सकते थ्री और टेन कट नहीं कर सकते सो थ्री इंटू वन इज थ्री सेवन इंटू टेन इज सेवेंटी सेवन जीरो ओके okay. सो so, बेटा इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं उसमें आप अपने डाउट भेज सकते हैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करने का ट्राई करूंगा चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस मल्टीप्लाई तो करना ही है बट आपका जो भी आंसर आता है उसको अगर हो सके तो इफ पॉसिबल अगर हो सके तो उसको रिड्यूस करो और लोवेस्ट फॉर्म में लेके आओ चले देखते हैं पहले जहां पे भी मिक्स फ्रैक्शन होता है ना उसको पहले सॉल्व करते हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन ऐसा कैसा लिख दो यहाँ पे टू बाई थ्री जो ऊपर है वो इन टू थ्री टू जिक्स सिक्स प्लस टू एट तो यहां पे लिखेंगे आप एट अपॉन थ्री अब देखिए कुछ आ, कुछ भी कट सकता है क्या थ्री एट यहाँ पे टू थ्री कुछ भी कट नहीं सकता राइट So, यहां पे टू इंटू एट क्या होगा सिक्सटीन थ्री इंटू थ्री नाइन अब इसमें कुछ भी कैंसल हो नहीं सकता दिस इज दाइट बेटा लोएस्ट फॉर्म कब आएगा जब आपको पता चले यार ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर ये दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते मतलब के इनका जो एस सी एफ है वो एस सी एफ इनका वन होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका वन होना चाहिए ओके okay? मतलब सिक्सटीन और नाइन ना सिर्फ वन की टेबल में आते और किसी टेबल में दोनों एक साथ नहीं आते दोनों दोनों एक साथ लेट्स नेक्स्ट नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेवन इंटू सेवन नाइन ये तो बहुत इजी है बेटा देखो यहाँ पे सेवन नीचे है और इधर ऊपर है राइट बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो ये सेवन सेवन कट जाएगा सेवन वन सा सेवन टू इंटू वन दैट इज टू और नीचे नाइन बचा क्या ये कट हो सकता है मतलब वन के सिवाय कोई और टेबल है जिसमें दोनों आते हो एक साथ नहीं सो दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म ऑल्सो चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट वन थ्री बाय एट और सिक्स बाय फोर अब यहां पे कुछ कट होगा क्या हो सकता है राइट right? जैसे कि देखो ये सिक्स है और ये फोर है दोनों टू के टेबल में आते हैं ना तो कट कर सकते हो सो टू थ्री जा टू फोर जा आप अब देखिए अब ऊपर क्या बचा ऊपर बचा थ्री इंटू थ्री और नीचे बचा एट इंटू फोर कैन यू कट ऊपर और नीचे कुछ कट सकते हैं क्या नहीं कर सकते राइट तो ऊपर जो आएगा नाइन आएगा नीचे एट फोर जा थर्टी टू क्योंकि हम लोग अब इसको कुछ भी कट नहीं कर सकते तो दिस इज द फाइनल आंसर ये है अपना रिड्यूस्ड फॉर्म में आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है ना तो ये वीडियो आपके लिए ऐसा है कि भाई आपने अपना आंसर सॉल्व कर लिया अब आप चेक करना चाहते हैं कि वेदर योर आंसर इज राइट और नॉट वेदर यू हैव सोल्व परफेक्टली एक एक स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं चलिए देखते हैं आगे नाइन बाय फाइव और थ्री बाय थ्री बाय फाइव तो बेटा नाइन बाई फाइव और थ्री बाय फाइव इसमें कुछ भी तो कैंसल नहीं हो सकता ना ऊपर नीचे या ऐसे लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ कैंसिल नहीं हो सकता सो वॉट यूर राइट डाउन यूर राइट डाउन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव दैट इज इट अगर एक स्टेप और लिखना हो तो आप क्या करना आप इस तरह से लिख देना नाइन इंटू थ्री ऊपर और फाइव इंटू फाइव नीचे और फिर आप अपना आंसर लिख सकते हो ट्वेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव क्योंकि ये कुछ भी इसमें कट नहीं हो सकता दिस इज द लोएस्ट फॉर्म यही आपका आंसर है Let's see, next question. One by three और by eight. तो चलो मैं कैंसिल तो यहां पे करने वाला हूं बट यहां पे लिख देता हूं एक बार क्या कैंसिल करेंगे थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है ना सो थ्री फाइव फिफ्टीन अब क्या बचा ऊपर ऊपर क्या बचा फाइव इंटू वन दैट इज फाइव और नीचे एट कैन वी कैंसल क्या वन के सिवाय कोई एक टेबल है जिसमें दोनों नंबर एक साथ आते हो नहीं तो ये आपका फाइनल आंसर होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन बाय टू एंड थ्री बाय टेन तो यहां पे कुछ भी कैंसल होगा क्या देखो जरा इलेवन और थ्री है यहाँ पे और इधर क्या है टू और टेन ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि वन के सिवाय कोई टेबल नहीं है जिसमें ये सब आते हो एक साथ दोनों जन जैसे इलेवन टू वन वन से ही हो सकता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही है इसमें तो इलेवन थ्री जा क्या होगा थर्टी थ्री टू टेन क्या होगा ट्वेंटी दैट इज इट आगे कैंसल होगा भी नहीं इसीलिए दिस इज द फाइनल आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन आई होप बच्चों आप लोग साथ में देख रहे हो और लिख रहे हो अगर आप इसको देख के प्रैक्टिस कर रहे हो ना दैट इज द बेस्ट थिंग और अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है मान लो ये होमवर्क था और आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये आपके लिए एक चांस है कि आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि भाई किसी स्टेप में आपका कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ क्या किया है आपने वो सब आप वेरीफाई कर सकते हो ठीक है चलिए यहां पे देखते हैं फोर ऑफ फाइव इंटू ट्वेल्व बाय सेवन देखो फाइव और ट्वेल्व कट नहीं सकता ट्वेल्व और सेवन नहीं कट सकता हाँ फोर और फोर थ्री ट्वेल्व कट कर सकते हैं लेकिन कभी भी हम लोग इस तरह से सामने सामने कट कर नहीं करते न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ऐसे कट नहीं हो सकता ऊपर नीचे होना चाहिए या तो ऐसे देखो या तो ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए या तो इस तरह से है ना लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे तो फोर इंटू ट्वेल्व अपॉन फाइव इंटू सेवन सो फोर ट्वेल्व सा फोर्टी एट फाइव इंटू सेवन ये फाइव आंसर आ गया तो बच्चों यहां पे क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करना पता है ये जो मिक्स फ्रैक्शन है न, उसको सॉल्व करना तो यहां पे मैंने लिखा टू बाय फाइव देखो फोर फाइव क्या होगा ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस वन क्या होगा ट्वेंटी वन तो आप यहां पे लिखेंगे ट्वेंटी वन अपॉन फोर अब देखिए अब कुछ कैंसल हो सकता है क्या हां ये रहा टू और ये रहा फोर टू टू जा फोर हो गया अब कुछ भी कैंसल नहीं हो सकता बेटा ठीक है यहां पे वन कर दीजिए चलेगा सो वन इंटू ट्वेंटी वन दैट इज ट्वेंटी वन और फाइव इंटू टू दैट इज टेन ठीक है तो ये हो गया हमारा आंसर ट्वेंटी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स टू बाय फाइव इंटू सेवन बाय नाइन तो पहले स्टेप में क्या करना है आपको मैंने बताया इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करो फाइव सिक्स थर्टी थर्टी प्लस टू दैट इज थर्टी टू अपॉन फाइव इंटू सेवन अपॉन नाइन थर्टी टू और फाइव क्या कैंसल हो सकता है नहीं थर्टी टू नाइन कैंसल हो सकता है नहीं फाइव सेवन नहीं तो आप सिंपली क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई करोगे थर्टी टू इंटू सेवन और फाइव इंटू नाइन तो जो आंसर आता है वो आप लिख देंगे सेवन टू झा फोर्टीन होता है कैरी वन सेवन थ्री झा ट्वेंटी वन प्लस वन ट्वेंटी टू सो हियर टू टू फोर अपॉन फोर्टी फाइव यहां पर कुछ भी कैंसल नहीं होगा सो दिस इज अवर आंसर आई होप आपको ये समझ में आ रहा है क्योंकि मैं इतना स्लोली धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है जो भी बच्चा मैथ्स में वीक है उसको आराम से समझ में आ जाएगा और जिन लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा वो फटाफट इसको इस वीडियो की स्पीड बढ़ा के अपना होमवर्क भी चेक कर सकते हैं कि भाई कहां पे मेरा राइट है कहां पे रॉन्ग है क्या हुआ है ना नेक्स्ट वन देखते हैं तो यहां पे क्वेश्चन है थ्री बाय टू और ये फाइव वन बाय थ्री तो यहां पे लिखेंगे थ्री अपॉन टू और पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं बेटा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे? 15. 15 one, 16. तो यहाँ पे लिखेंगे सिक्सटीन अपॉन थ्री अब कुछ लिख रहा है ऊपर और नीचे यस थ्री वन जा थ्री डन हो गया अब ऊपर क्या बचा यहाँ पे तो सर कैंसिल हो गया यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे वन लिख सकते हो चलेगा है ना तो जहां पे भी कैंसिल हो गया अगर कुछ बचा नहीं तो वन लिख सकते हो सिक्सटीन इंटू वन दट इज सिक्सटीन टू इंटू वन दट इज टू कैन यू कैंसल आउट हाँ यार ऊपर ही हम लोग कैंसल कर सकते थे ना हाँ टू एट जा सिक्सटीन तो वैसे भी इसका आंसर क्या आएगा एट आएगा सर नीचे कुछ लिख सकते हैं क्या हाँ क्यों नहीं नीचे आप वन लिखना चाहो तो लिख सकते हो ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव अपॉन सिक्स है और इसके यहां पे साइड में ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करते हैं सेवन टू जा फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस थ्री इज सेवनटीन अपॉन सेवन आगे कुछ कर सकते हैं क्या यस yes. कुछ भी कैंसल होगा क्या कुछ भी कैंसिल नहीं होगा यहां पे। तो फाइव इंटू सेवनटीन आप लिख दो और नीचे लिखो सिक्स इंटू सेवन फाइव इंटू सेवनटीन वॉट इट विल बी देखो सेवन फाइव थर्टी फाइव फाइव कैरी थ्री तो यहां पे हो जाएगा ना एट एटी फाइव अपॉन सिक्स सेवन सा फोर्टी टू सो दिस इज द आंसर ओके चले बढ़ते हैं आगे होल्ड ऑन जस्ट सेकेंड सेवेंथ वन ओके बेटा तो यहां पे देख लीजिए ये जो क्वेश्चन था ना वो फोर्थ वन था ठीक है गलती से मैंने सिक्स यहां पे लिखा था एक्चुअली में फोर्थ वन कुछ था आप देखते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखिए यहां पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करते हैं फाय थ्रीजा फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू यू गेट 17 अपॉन फाइव इंटू फोर अपॉन सेवन ठीक है तो सेवनटीन इंटू फोर इट विल गिव यू सिक्सटी एट फाइव 35. थर्टी फाइव यहां पर कुछ भी कैंसिल हो सकता था क्या नहीं दैट इज इट ये हमारा आंसर है ठीक है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों इसमें भी आपको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना तो पहले इसको सॉल्व करो फाइव टू जन टेन प्लस थ्री थर्टीन सो यहां पे आप लिखेंगे थर्टीन अपॉन जो नीचे डिनोमिनेटर होता है वो तो वैसे ही रहता है ना यहाँ पे इन टू थ्री आप सोचोगे सर नीचे कौन सा नंबर है नीचे कोई नंबर नहीं है ना तो समझ लेना वन है ना लेकिन फिर भी चलेगा अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या कुछ भी कैंसिल नहीं होगा सो थर्टीन इंटू थ्री विल गिव यू थर्टी नाइन अपॉन फाइव आई होप आप ये सब नोट डाउन कर रहे हो या आपको समझ में आ रहा है तो आप अपना चेक कर सकते हो कि या फिर किसी बच्चे को प्रैक्टिस करनी हो और वो मैथ्स में सही में बहुत वीक है और क्लास में नहीं पूछ सकते या फिर टाइम नहीं मिलता है ना तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैं हर कॉन्सेप्ट को आराम से शांति से पढ़ाता हूं चलिए सेवन थ्रीजा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर क्या होगा ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन इन थ्री अपॉन फाइव कुछ कैंसल होगा क्या बताओ कुछ भी कैंसिल होगा हाँ अगर आपको टेबल आती है ना बच्चों तो आप लोग फटाफट देख पाओगे कि हाँ सर यहां पर कैंसिल होगा देखो इधर ये रहा फाइव और ये ट्वेंटी फाइव तो कैंसिल होगा ना फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव ऊपर क्या बचा फाइव इंटू थ्री और नीचे क्या है नीचे कुछ है क्या खाली सेवन बचा ठीक है तो फाइव थ्री ज फिफ्टीन अपॉन सेवन ओके जहां पे भी आपको लगे कि नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप पूछ सकते हो ठीक है या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो ना विच इज ग्रेटर अब आपको चेक करना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि भाई कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है ठीक है देखो या तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है अदरवाइज या फिर और ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है दोनों में से कौन सा बड़ा है वो चेक करना है तो वो चेक करने के लिए आपको देखना तो पड़ेगा ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले इसको सॉल्व करते हैं चलो टू बाय सेवन ऑफ थ्री बाय फोर तो कुछ कैंसल होगा हाँ ये टू यहां पे है ना ये टू और ये फोर कैंसल होगा ना टू टू जा फोर क्या बचा यहां पर थ्री अपॉन फोर्टीन सो थ्री अपॉन फोर्टीन अब इसे सॉल्व करते हैं Remember, के लिए क्या करना होता है कंपेरिजन के लिए किसी भी फ्रैक्शन को पहले लाइक like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो लाइक फ्रैक्शन में एक बार अगर आपने कन्वर्ट कर दिया फिर चेक करो कि उसका न्यूमरेटर क्या है है ना तो ये थ्री अपॉन फोर्टीन आ गया अब इसको देखते हैं यहां पे थ्री बाय फाइव ऑफ मतलब मल्टीप्लाई फाइव अपॉन एट अब कट होगा क्या हा ये फाइव और ये फाइव कट तो बचा क्या बचा यहाँ पे थ्री अपॉन एट इसमें कौन सा नंबर है जो बड़ा है ठीक है तो उसको करने के लिए आप देखो ये भी एक मेथड मैंने बताई है स्टार्टिंग में बेटा जिसको याद होगा तो अच्छा है इन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो थ्री इंटू एट एक इस तरफ फोर्टीन इंटू थ्री इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पे फोर्टीन इंटू थ्री तो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर फोर्टीन थ्री सा कितना होगा फोर्टी टू तो कौन बड़ा है 42 बड़ा है ना इसका मतलब 3 अपॉन एट बड़ा है ओके okay. सो so, 3 अपॉन एट बड़ा है मतलब के कौन सा नंबर बड़ा है ये वाला ये पूरा ठीक है दिस इज ग्रेटर सो आप क्या लिखोगे 3 बाय फाइव ऑफ 5 बाय एट इज ग्रेटर बस ये लिख दोगे कौन सा बड़ा है सर ये वाला बड़ा है ओके okay. चले देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही भी वैसा ही करना होगा हमें हाँ पहले इसको सॉल्व करना होगा फिर इसको सॉल्व करना होगा दोनों में से जो फ्रैक्शन बड़ा है वो देख लेंगे ओके सो लेट्स सी वन बाय टू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई सिक्स अपॉन सेवन कुछ कैंसल होगा हाँ जहां पे भी कैंसिल हो ना वहां पे कैंसिल कर दो टू थ्री जा सिक्स क्या बचा थ्री अपॉन सेवन बचा तो हमने ये वाला तो सॉल्व कर दिया ना ये वाला हमने सॉल्व कर दिया अब इसकी बारी ठीक है तो टू अपॉन थ्री ऑफ मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे थ्री अपॉन सेवन कुछ कैंसल होगा क्या हाँ थ्री वन जा थ्री क्या बचा यहाँ पे टू अपॉन सेवन बचा अब बेटा ये तो लाइक like फ्रैक्शन है जब लाइक like फ्रैक्शन हो मतलब जब डिनोमिनेटर सेम हो यहाँ पे भी सेवन है इधर भी सेवन है तो डिनोमिनेटर को भूल जाओ खाली देखो कि न्यूमिनेटर क्या है ये लाइक like फ्रैक्शन हो गए ना न्यूमिनेटर क्या है थ्री है यहाँ पे टू है तो थ्री बड़ा है ना तो ये रहेगा इस तरह से थ्री बाय सेवन इज ग्रेटर देन टू बाय सेवन सो थ्री बाय सेवन से आया था इस वाले ग्रुप का है ना वो तो आप क्या लिखोगे यहां पे वन बाय टू ऑफ सिक्स अपॉन सेवन इज ग्रेटर आप लिख सकते हो इज ग्रेटर देन किससे वो बड़ा है इस वाले से बड़ा है है ना इस पूरे से तो आप लिख सकते हो इज ग्रेटर ठीक है चले बढ़ते हैं आगे आई होप आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई और ना आ रहे हैं तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना ठीक है कोई फीडबैक हो तो दे सकते हो इसमें चलो फर्स्ट और सेकंड हो गया अब हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स यस कई बार क्या होता है वर्ड प्रॉब्लम देख के हम लोग घबरा जाते हैं कि यार ये क्या है बट होता क्या है कि आप एक सेंटेंस पढ़ो उसको समझो हिंदी में आपकी मातृभाषा में उसको समझो और उसको लिखो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में जैसे यहां पे लिखा हुआ है सैली प्लांट्स फोर सैपलिंग्स बेटा सैपलिंग का मतलब क्या होता है जो एक छोटा सा प्लांट होता है ना वो एक बीज में से जब वो निकल रहा है इतना छोटा सा है मान लो तो उसको सैपलिंग बोलेंगे ठीक है छोटा सा प्लांट एकदम छोटा सा उसको सैपलिंग बोलेंगे एक रो so में में। फोर सैपलिंग्स उसने रखा है अपने गार्डन ओके चलो ड्रॉ कर लेते ना हम लोग राइट right? तो होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड फोर पे वन हो गया ये वन है ये थोड़ा सा ठीक रहेगा अगर मुझे इस तरह से मैं बनाऊं तो ठीक रहेगा आपको समझ में आएगा ओके होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड वाह बन गया चलो ठीक है अब देखते हैं यहां पे हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेंट सैपलिंग्स हर दो सैपलिंग्स के बीच में डिस्टेंस कितना है थ्री बाय फोर मीटर का है चलो देखते हैं तो मतलब ये इसके बीच में इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है थ्री बाय फोर तो हर दो के बीच में थ्री बाय का ही डिस्टेंस है थ्री बाय यहां पे थ्री बाय आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा है ना तो ये चार सेपलिंग्स से, है ये हो गया फर्स्ट वन ये हो गया सेकंड ये थर्ड सेपलिंग और ये फोर्थ सेपलिंग अब पूछा क्या है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है कितना डिस्टेंस होगा फर्स्ट और लास्ट के बीच में देखो कहां से कहां तक आप देखोगे आप देखोगे ना यहां से लेकर यहां तक मतलब ये आपको डिस्टेंस पूछा है ये वाला डिस्टेंस ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना वो पूरा ब्लू कलर की लाइन जो डिस्टेंस है वो मतलब फर्स्ट वाले से लेके लास्ट वाला उसमें थ्री बाय फोर कितनी बार आ रहा है देखो उनके बीच में डिस्टेंस कितना है थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर बेटा थ्री बाय फोर कितनी बार आया तीन बार आया ना तो हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले स्टेटमेंट लिख देते ना बेटा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिट्वीन टू एडजेंट से टू एडजेंट से टू एडजेंट से डिस्टेंस कितना होगा दैट विल बी थ्री अपॉन फोर मीटर ठीक है अब ऐसे ही ये थ्री बाय फोर कितनी बार आया देखो कितनी बार आया थ्री बाय फोर तीन बार ना ठीक है सो so, आप क्या लिखोगे यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट वो कितना है थ्री टाइम्स तीन बार थ्री बाय फोर आया है ना तीन बार एक बार दो बार और ये तीसरी बार तो इस तरह से आप जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थ्री थ्री झा नाइन नाइन अपॉन फोर तो नाइन अपॉन फोर मीटर आप ये लिखेंगे बट नाइन अपॉन फोर मीटर लिखे या तो इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें मिक, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको मैंने पहले बताया इसी वीडियो में तो ये जो फोर है वो फोर में नीचे लिखूंगा फोर इन टू मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो नाइन के पास पहुंच जाऊंगा फोर टू जा एट राइट और क्या बचा एट प्लस वन नाइन सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सैपलिंग्स फर्स्ट एंड फोर्थ फर्स्ट और फोर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है टू वन बाय फोर मीटर आई होप आप सबने चेक किया होगा अपना आंसर या फिर देख लिया होगा नोट डाउन कर लिया होगा इतनी इतने धीमे से पढ़ाता हूं तो कोई भी देख के नोट डाउन कर सकता है समझ सकता है चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट लिपिका रीड्स अ बुक फॉर वन थ्री बाय फोर आवर्स एवरी डे मतलब वो हर रोज ये जो बुक है उसको इतने टाइम तक पढ़ती है वन थ्री बाय फोर तो हम लोग लिखेंगे फॉर हाउ मेनी आर्स शी रीड्स द बुक हम्म तो यहां पे लिखते हैं इन वन डे लिपिका reads लिपिका reads वन थ्री बाय फोर आर्स ठीक है एक दिन में वो इतना घंटे पढ़ती है वन थ्री बाय फोर आर्स इसी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर दो अच्छे से ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ ना फोर वन सा फोर फोर प्लस थ्री सेवन अपॉन फोर आर्स ठीक है ये हो गया अब शी रीड्स द एंटायर बुक इन सिक्स डेज तो छह दिन में ना वो बुक फिनिश कर देती है एक दिन में कितने घंटे पढ़े सेवन बाय फोर तो छह दिन में उसने इसी इतना ही पढ़ा और बुक फिनिश कर दी तो अब देखते हैं इन सिक्स डेज इन सिक्स डेज लिपिका रीड्स देखो एक दिन में इतना टाइम पढ़ती है वो है ना एक दिन में इतने घंटे तो सिक्स सिक्स डेज में कितने घंटे तो सिक्स इंटू सेवन बाय फोर करेंगे आर्स छह दिन में इतने घंटे उसने पढ़ाई की ठीक है अब इसको कैंसिल कर सकते हैं ना हम लोग तो कैंसिल करेंगे बेटा राइट दोनों सिक्स और फोर दोनों टू के टेबल में आते हैं कैसे आएंगे फोर देखो टू टू झा और टू थ्री झा वट इज द आंसर थ्री इंटू सेवन क्या होता है ट्वेंटी वन अपॉन टू ट्वेंटी वन अपॉन टू आर्स लगे इतने घंटे लगे ताकि वो बुक फिनिश कर सके छह दिन में राइट तो ट्वेंटी वन अपॉन टू जो है वो तो इम प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो आपको पता है कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है हमें इस तरह से डिवाइड करना होगा ट्वेंटी वन अपॉन टू तो टू वन टूर यहां पर वन आएगा ओके फिर जीरो पे जीरो वन बचेगा हो गया ना तो आपका आंसर क्या आया ये जो टू है वो नीचे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन जो होता है वो यहां पे साइड में ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके और रिमाइंडर जो होता है वो इस तरह से ऊपर सो टेन एंड हाफ आवर्स कितने घंटे लगे साढ़े दस घंटे टेन आवर्स एंड हाफ आवर मतलब दस घंटे और तीस मिनट सो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक सो शी रेड द बुक शी रेड द बुक इन टेन वन बाय टू आर्स हो गया चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अ कार रन सिक्सटीन किलोमीटर एक कार जो है वो सिक्सटीन किलोमीटर रन करती है यूजिंग वन लीटर ऑफ पेट्रोल तो एक लीटर जो पेट्रोल है वो वन किलोमीटर तो यहां पे लिख दे हम लोग एक लीटर जो पेट्रोल है उसमें कार कितना दौड़ती है सिक्सटीन किलोमीटर सो so, यहां पे मैं लिखू डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग वन लीटर वन लीटर ऑफ पेट्रोल तो वन लीटर आपने पेट्रोल यूज किया तो उसके लिए कार कितना दौड़ी उसमें सिक्सटीन किलोमीटर उसने कवर किया वन लीटर के लिए सिक्सटीन किलोमीटर हाउ मच डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर होगा अगर कार टू थ्री बाय फोर लीटर पेट्रोल यूज करती है ठीक है तो यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड यूजिंग थ्री टू थ्री बाय फोर लीटर टू थ्री बाय फोर लीटर लीटर्स अगर पेट्रोल यूज किए तो उसके हिसाब से कितना कार डिस्टेंस कवर करेगी देखो वन लीटर के लिए कितना है किलोमीटर सो आप क्या करेंगे यहां पे टू थ्री बाय फोर है ना सो फॉर टू थ्री बाय फोर लीटर हाउ मनी किलोमीटर तो इन टू सिक्सटीन कर दो तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा फोर टू जा क्या होगा एट एट प्लस थ्री एट प्लस थ्री गेवस इलेवन अपॉन फोर इंटू सिक्स अब ये फोर जो है और ये सिक्सटीन वो कट जाएगा ना फोर फोर आंसर आ गया राइट फोर्टी फोर किलोमीटर सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर द कार कवर्स द कार आप लिख देना लास्ट में एक स्टेटमेंट द कार कवर्ड कवर्स फोर्टी फोर किलोमीटर ओके चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स इस बॉक्स में जो नंबर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है सच दैट ताकि ये वाली जो कंडीशन है वो राइट right हो जाए ये वाली कंडीशन राइट right होने के लिए इस बॉक्स में कौन सा नंबर चाहिए आपको वो देखना है बेटा तो चलो मैं यहां पे लिख दू टू बाय थ्री इन टू यहां पर वो बॉक्स मैंने लिख दिया ड्रॉ कर दिया फिर यहां पे लिखा मैंने टेन अपॉन थर्टी ठीक है तो यहां पे क्या हो सकता है तो बच्चों यहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि टू के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो टेन हो जाएगा फाइव और थ्री के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो थर्टी हो जाएगा टेन राइट right? तो यहां पे आपका आंसर क्या आ रहा है आपका आंसर आ रहा है फाइव अपॉन टेन सिंपल ओके अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है देखो यहां पे पूछा है ना द सिंपलेस्ट फॉर्म यहां पे पूछा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर तो इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या कि इसको कट कर सकते हैं हां फाइव वन जा सो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया वन बाय टू तो आप यहां पे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है वन अपॉन टू और ये जो नंबर है वो नंबर क्या है वो है फाइव अपॉन टेन ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे आपको क्या पूछा है प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स ये नंबर बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है ओके okay, तो वो आपको बॉक्स वाला नंबर फाइंड आउट करना है यहां पे लिया हुआ है ट्वेंटी फोर और यहां पे सेवेंटी फाइव थ्री के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर होगा थ्री के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी फोर होगा अदरवाइज अगर आपको सही मैसेज आना है तो सिंपल ऐसा है ट्वेंटी फोर uh, जो है ना ये थ्री अगर मान लो उस तरफ जाएगा तो ट्वेंटी फोर से डिवाइड होगा ठीक है और ये जो फाइव उस तरफ जब जाएगा तो सेवेंटी फाइव से डिवाइड होगा ठीक है फाइव इस तरफ जाएगा तो सेवेंटी फाइव से डिवाइड होगा और थ्री उस तरफ जाएगा तो ट्वेंटी फोर से डिवाइड होगा तो वही आपको आंसर देगा ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री वॉट इट विल बी सेवन सेवन डिवाइड बाई फाइव इट विल बी फिफ्टीन तो आपको मिल गया जो बॉक्स में आंसर था ठीक है जो पूछा था सो जो बॉक्स में था वो क्या था सेवन अपॉन फिफ्टीन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है मतलब अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो लेकिन दोनों वन की टेबल में ही आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगा ओके okay? यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगा आई होप आपको समझ में आ रहा है देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना उसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे यहाँ पे जो था ना कि टू अपॉन थ्री और ये यहाँ पे बॉक्स पूछा था और यहाँ पे था टेन और थर्टी राइट तो टू जब उस तरफ जाएगा तो टेन के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे टेन डिवाइड बाय वैसे ही थ्री जो है वो डिवाइड होगा थर्टी के साथ तो थर्टी डिवाइड बाय थ्री तो टेन डिवाइड बाय टू क्या होगा फाइव और थर्टी डिवाइड बाय थ्री क्या होगा टेन तो फाइव अपॉन टेन ये दो मेथड है इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज इज दिस वन टू पॉइंट थ्री यहां पर डिवाइड करना है तो पहले आपको मैं बता दूं अगर किसी फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करते हैं सपोज ये फ्रैक्शन है आ, सपोज हाँ ये फ्रैक्शन है डिवाइड बाय वन बाय फोर है इस तरह से ऐसा तो आप ये जो डिवीजन की साइन ना उसको आप मल्टीप्लिकेशन की साइन कन्वर्ट कर दो और फिर इसके बाद का जो नंबर है ना वन बाय फोर उसका रेसिप्रोकल कर दो रेसिप्रोकल का मतलब क्या उल्टा ऐसा लिख सकते हैं सो so, सिंपल हो जाएगा ट्वेल्व अपन वन फोर्टी एट आपका आंसर है इस तरह से यहां पे हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे आई होप आपको क्लियर है क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया था सो लेट्स डू इट सो फर्स्ट वन डिवाइडेड बाय थ्री अपॉन फोर इसको सॉल्व करते हैं ट्वेल्व ये जो डिवाइड की साइन है वो मल्टीप्लाई की साइन हो जाएगी तो ये जो पूरा है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा थ्री अपॉन फोर है तो उसका उल्टा फोर अपॉन थ्री हो जाएगा अब इसमें देखो थ्री के टेबल में ट्वेल्व आता है क्या यस थ्री फोर झा ट्वेल्व फोर फोर झा क्या होगा सिक्सटीन सो दिस इज योर आंसर आई होप आपने ये फॉलो किया होगा समझ में आया होगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन डिवाइड बाय फाइव अपॉन सिक्स तो आपको क्या करना है ये डिविजन की जो साइन है ना उसको आप मल्टीप्लीकेशन की साइन कन्वर्ट कर दो कर दिया उसके बाद ये जो फाइव बाय सिक्स है उसका रेसी प्रोकल रेसी प्रोकल मतलब उल्टा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस तरह से अब क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या कहीं पे भी कुछ कैंसिल होगा फाइव और सिक्स कैंसल होगा वन के सिवाय नहीं फाइव और फोर्टीन कैंसल होगा नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो फोर्टीन इंटू सिक्स अपॉन फाइव सो व्हाट विल बी योर आंसर फोर्टीन इंटू सिक्स तो यहां पे होना चाहिए फोर और यहां पे टू तो दिस विल बी एटी फोर अपॉन फिफ्टीन यही आपका आंसर है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन थर्ड क्वेश्चन एट डिवाइड बाय ये वाला एट डिवाइड बाय सेवन अपॉन थ्री सो यहाँ पे एट और डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई की साइन फिर बाद वाला उसके बाद का जो नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब उल्टा जैसे थ्री का रेसिप्रोकल क्या है वन बाय थ्री वन बाय थ्री का रेसिप्रोकल क्या है थ्री ऐसा ओके okay. तो एट इंटू थ्री और यहाँ पे सेवन तो क्या एट और सेवन कट होगा नहीं थ्री और सेवन नहीं तो एट थ्री क्या होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो एट थ्री सा ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन कुछ भी कैंसिल नहीं होगा ना दिस इज योर आंसर सो नेक्स्ट वन देखते हैं फोर्थ वन फोर्थ वन क्या है फोर डिवाइड बाय एट अपॉन थ्री एट अपॉन थ्री सो सेम टू सेम वही हमें करना है डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई की साइन यूज करो और फिर उसके बाद का नंबर रेसी प्रोकल रेसी प्रोकल कर दो सो फोर और एट कैंसल हो सकते हैं ना फोर के टेबल में आता है फोर टू जट तो क्या बचा थ्री अपॉन टू दिस इज द फाइनल आंसर फिर देखते हैं नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन क्या है नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन दिस इज द फिफ्थ वन थ्री डिवाइड बाय टू वन बाय थ्री सो फिफ्थ वन है थ्री डिवाइड बाय टू वन बाय थ्री वही नंबर है ना यस uh, क्वेश्चन yes. एकदम राइटली कॉपी करना है अगर आपने क्वेश्चन करने में कॉपी करने में मिस्टेक की तो आपका आंसर ऑब्वियसली रॉन्ग आने वाला है थ्री डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई की साइन और ये जो मिक्स नंबर है एक मिनट पहले हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना मिक्स में है तो उसको इमप्रॉपर में करते हैं थ्री टू जा सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन अपॉन थ्री ये हो गया अब हम लोग ये डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट करते हैं ठीक है सेवन अपॉन थ्री के बदले क्या लिखोगे थ्री अपॉन सेवन अब देखते हैं यहां पे थ्री इंटू थ्री क्या होगा नाइन और नीचे सेवन क्योंकि आप कट नहीं कर सकते तो यही आपका फाइनल आंसर होगा सिक्स वन आई थिंक द लास्ट वन ये वाला फाइव डिवाइड बाय थ्री फोर बाय सेवन फाइव डिवाइड बाय थ्री फोर अपॉन सेवन तो पहले स्टेप में क्या करना होता है जो भी मिक्स फ्रैक्शन में है उसको पहले इम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो सेवन जा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन अब आगे देखें डिवाइड की साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई की साइन है फिर सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव कुछ कैंसिल होगा क्या यस yes. फाइव और ट्वेंटी फाइव इट होगा ट्वेंटी आई होप आपने ये सम्स जो भी मैंने सॉल्व किया आपने वेरीफाई किया होगा देखा होगा आपने कि आपने कैसे सॉल्व किया है हो सकता है मेथड अलग हो आपके स्कूल के टीचर की और मेरी बट मैं जो टेक्स्ट बुक में मेथड दी है उसी से मैं सॉल्व कराता हूं ठीक है चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ओके okay. आपको क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच हर एक क्वेश्चन का आपको रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है उसके बाद आपको क्लासिफाई करना है उन रेसिप्रोकल्स को कि क्या जो आपका रेसिप्रोकल है क्या वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है ठीक है तो इजी होगा ना मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना होता है कैसे कौन से फ्रैक्शन होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से इम्प्रॉपर वैसा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट है फर्स्ट वाला है आपका थ्री अपॉन सेवन अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा सेवन अपॉन थ्री ठीक है अब सेवन अपॉन थ्री ऊपर जो नंबर है वो बड़ा है ना न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा बेटा इम प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पे न्यूमरेटर बड़ा हो तो वो इम प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है सेकेंड वन देखते हैं सेकेंड रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा एट अपॉन फाइव ठीक है अब देखो एट अपॉन फाइव यहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है ना एट एट बड़ा है ना फाइव से न्यूमरेटर बड़ा है तो ये कौन सा फ्रैक्शन है दिस इज ऑल्सो इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है देखते हैं थर्ड वन सो थर्ड वन जो है वो है नाइन अपॉन सेवन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा तो यहां पे अब मैं थोड़ा जल्दी लिख देता हूं रेसिप्रोकल क्या होगा इसका सेवन अपॉन नाइन अब देखो ऊपर वाला जो नंबर है ना न्यूमरेटर वो छोटा है ना क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है तो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा इतना क्लियर हो गया अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है सिक्स बाय फाइव तो सिक्स बाय फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा सिक्स बाय फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा फाइव अपॉन सिक्स अब उसमें देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर छोटा है ना ऊपर फाइव है तो न्यूमरेटर छोटा है तो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाएगा ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा ठीक है आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ये है फिफ्थ वन ट्वेल्व बाय सेवन सो यहां पे मैंने लिखा ट्वेल्व अपॉन सेवन ट्वेल्व अपॉन सेवन का रेसी प्रोकल क्या होगा ट्वेल्व अपॉन सेवन का रेसी प्रोकल क्या होगा ट्वेल्व अपॉन सेवन का सेवन अपॉन ट्वेल्व और क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर देखो फिर से न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहेगा इट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन नेक्स्ट देखते हैं वन अपॉन एट वन अपॉन एट का रेसी प्रोकल वन अपॉन एट का रेसी प्रोकल क्या होगा वन अपॉन एट का रेसी प्रोकल होगा एट अपॉन वन और यहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा है ना अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है इसका मतलब ये कि दिस इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन इम प्रोपर फ्रैक्शन ठीक है ओके लास्ट वन वन अपॉन इलेवन वन अपॉन इलेवन सो वन अपॉन इलेवन का रेसिप्रोकल वन अपॉन इलेवन का रेसिप्रोकल क्या होता है इलेवन अपॉन वन होता है है ना वन अपॉन इलेवन का रेसी प्रोकल क्या होगा इलेवन अपॉन वन होगा अब यहां पे देखो ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है ना तो इसके लिए आप क्या लिखोगे इसको इम प्रॉपर फ्रैक्शन लिखोगे क्या लिखोगे इम प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है बट यहां पे एक ध्यान देना बात इधर देखो क्या आएगा यहाँ पे मैंने इम प्रॉपर फ्रैक्शन तो बोल दिया है बट ये जो है ना असली में यहां पे सिर्फ एट आया था ना एट अपॉन वन मतलब एट तो आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो होल नंबर ठीक है और यहाँ पे इलेवन अपॉन वन तो आप इम प्रॉपर के बदले आप क्या बोल सकते हो होल नंबर क्योंकि सिर्फ आपको क्या मिलता है इलेवन मिलता है बट आप इमप्रॉपर भी बोल सकते हो और होल नंबर भी बोल सकते हो ओके okay? चलिए देखें आगे आगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी डिवाइड करना है आपको तो देखते हैं चलो फर्स्ट वन सेवन अपॉन थ्री डिवाइड बाय टू तो यहां पे डिवीजन की जो साइन है ना उसके बदले मल्टीप्लिकेशन की साइन हो जाएगी ये जो डिवीजन की साइन है उसके बदले अगर आप मल्टीप्लीकेशन की साइन करते हो तो जो टू है ना आपको टू का रेसी लिखना है टू का आपने रेसिप्रोकल लिख दिया वन बाय टू तो सेवन इंटू वन थ्री इंटू टू सिक्स हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं फोर अपॉन नाइन डिवाइड बाय फाइव सो फोर अपॉन नाइन लिखा ये जो डिवाइड की साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई की साइन होगी तो ये जो फाइव है फाइव का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय फाइव कुछ कैंसल नहीं हो सकता ऊपर नीचे तो आप क्या करेंगे फोर वन जा, फोर नाइन फोर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वन सिक्स अपॉन थर्टीन डिवाइड बाय सेवन तो सिक्स अपॉन थर्टीन लिखे फिर डिवीजन की जो साइन है उसके बदले मल्टीप्लीकेशन की साइन करो और उसके बाद का जो नंबर है वो रेसिप्रोकल कर दो तो सेवन का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय सेवन तो बेटा देखते हैं सिक्स इंटू वन क्या होगा सिक्स। थर्टीन इंटू सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन। कैरी टू। सेवन प्लस टू नाइन तो सिक्स अपॉन नाइनटी वन ये आपका आंसर हुआ देखते हैं आगे अब फोर्थ वन नेक्स्ट पेज पे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे फोर्थ वन फोर वन बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री सो फोर वन बाई थ्री डिवाइड बाय थ्री तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको कन्वर्ट करते हैं ठीक है इन प्रॉपर फ्रैक्शन में थ्री फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन तो यहां पे मैं लिखूंगा थर्टीन अपॉन थ्री ये जो डिवाइड की साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई की साइन तो ये जो थ्री है उसका रेसिप्रोकल प्रोकल थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय थ्री कुछ कट हो सकता है क्या थर्टीन और थ्री नहीं ना तो थर्टीन वन जा थर्टीन और थ्री थ्री जा नाइन आगे अपना आंसर अब बेटा बात करते हैं आ, लास्ट क्वेश्चन की यहां पे सिक्स वन फोर थ्री बाय सेवन सिक्स वन है फोर थ्री बाय सेवन डिवाइडेड बाय सेवन तो पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट करो इन प्रॉपर फ्रैक्शन में सेवन फोर ट्वेंटी जो डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई की साइन की तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सेवन का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 7. कुछ भी कट नहीं होगा थर्टीन तो 31, थर्टी वन वन सा थर्टी वन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन वी गॉट द आंसर ओके सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन थ्री फिनिश लेट्स डू इट मोर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन फाइव है. तो क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन फोर है यहाँ पे तो क्वेश्चन फोर जो है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ओके लेट्स चेंज द कलर टू बाय फाइव है तो सेम मेथड है बेटा सेम मेथड टू बाय फाइव है यहां पे जो डिवाइड की साइन है ना उसके बदले अगर मैं मल्टीप्लाई की साइन कर दू तो वन बाय टू का रेसिप्रोकल क्या होगा टू बाय यहां पे टू टू जा फोर फाइव वन जा फाइव हो गया फिनिश चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर बाय नाइन है और यहां पे डिवाइड की साइन है उसको मैंने मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट किया तो टू बाय थ्री के बदले रेसिप्रोकल क्या होगा थ्री बाय टू अब इसमें एक स्टेप और इन्वॉल्व है देखना थ्री जो है वो कट हो सकता है ना थ्री थ्री जा नाइन सो थ्री थ्री जा नाइन कट हुआ टू के टेबल में फोर आता है ना तो टू टू जा फोर क्या बचा ऊपर टू और नीचे थ्री दैट्स इट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री बाय सेवन डिवाइड बाय एट बाय सेवन तो पहले आप क्या करते हो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है जो डिवीजन की साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो फिर जो उसके बाद का नंबर है उसका रेसिप्रोकल करो तो रेसिप्रोकल कर दिया सेवन बाय एट अब ये सेवन और ये सेवन कट हो गया ना तो क्या बचेगा थ्री अपॉन एट बचेगा ओके सो वी हैव डन दिस थर्ड वन आल्सो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया मोटू फोर्थ वन फोर्थ जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं टू वन बाय थ्री डिवाइड बाय दिस अपॉन फाइव तो पहला स्टेप क्या होता है पहला स्टेप ये होता है कि भाई ये जो मिक्स्ड है उसको इमप्रॉपर में कन्वर्ट करो थ्री टू झा सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन अपॉन थ्री जो डिवाइड की साइन है उसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई उसके बाद का नंबर रेसी प्रोकल सो फाइव थ्री हो जाएगा कुछ कट होगा क्या सेवन और थ्री फाइव थ्री कुछ भी कट नहीं होगा ना तो सेवन फाइव सामने सामने नहीं. है ना सेवन फाइव थर्टी फाइव थ्री थ्री जा नाइन हो गया अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वन थ्री वन बाय टू सो वी आर डूइंग फिफ्थ वन थ्री वन बाई टू डिवाइडेड बाय एट बाय थ्री एट बाय थ्री सो सबसे पहले जो मिक्स ट्रैक्शन में है उसको इम प्रॉपर में कन्वर्ट करें थ्री टू जिक्स सिक्स प्लस वन सेवन डिवाइड की जो साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई करेंगे एट बाय थ्री के बदले क्या करेंगे थ्री बाय एट करेंगे ओके okay? सो so, कुछ भी कैंसल नहीं हो रहा है यहां पे तो सेवन थ्री सा ट्वेंटी वन टू एट जा सिक्सटीन फिनिश सिक्स वन देखते हैं होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड ओके वी हैव मोर स्लाइड्स हियर तो सिक्स वन क्या है सिक्स वन है आपका टू बाय फाइव सिक्स वन जो है वो है टू बाय फाइव डिवाइडेड बाय वन वन बाय टू वन वन अपॉन टू तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट स्टेप जो दिया है उसमें अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको सॉल्व करो टू वन सा टू टू प्लस वन थ्री सो यहां पे थ्री और नीचे जो टू होता है वो आप लिख देते हो ऐसे अब क्या करना है ये जो डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट अगर करते हो आप ठीक है तो ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल इसका लिखना है थ्री बाय टू का रेसिप्रोकल क्या होगा टू बाय थ्री कुछ भी कट नहीं होगा ना तो टू टू जा फोर फाइव थ्री जा फिफ्टीन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेवेंथ वन ठीक है ये रहा सेवेंथ थ्री वन बाय फाइव थ्री वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय वन टू बाय थ्री वन टू बाय थ्री जितने आप मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा बट पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है बिना समझे प्रैक्टिस करना दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम ओके तो चलो यहां पे सॉल्व करते हैं फाइव थ्री जा, फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सिक्सटीन अपॉन फाइव डिवाइड बाय थ्री वन जा, थ्री थ्री प्लस टू फाइव फाइव अपॉन थ्री ओके तो सिक्सटीन अपॉन फाइव ये जो डिवाइड की साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई की साइन थ्री अपॉन फाइव फाइव अपॉन थ्री के बदले थ्री अपॉन फाइव कुछ भी यहाँ पे कैंसल होगा क्या सिक्सटीन ऑफ फाइव वन के सिवाय कोई टेबल में नहीं आते सब एक साथ हाँ कोई एक टेबल जिसमें दोनों नंबर एक साथ आते हो सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव नहीं थ्री और फाइव नहीं सो सिक्सटीन थ्री जा 48 एट फाइव फाइजा डन कोई बचा क्वेश्चन यस लास्ट क्वेश्चन टू वन बाय फाइव वन वन बाय फाइव पाओ लास्ट क्वेश्चन टू वन बाय फाइव डिवाइड बाय वन वन बाय फाइव यही है ना क्वेश्चन हां तो पहले इसको सॉल्व करते हैं बेटा फाइव टू झा टेन टेन प्लस वन इलेवन सो इलेवन अपॉन फाइव डिवाइड की साइन रखो अभी चेंज मत करना प्लस अपॉन फाइव अब चेंज करो अभी जो डिवाइड की साइन है उसको आप मल्टीप्लाई की साइन में चेंज करोगे मैंने मल्टीप्लाई की साइन में चेंज किया तो सिक्स अपॉन फाइव है ना उसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल मतलब उल्टा ठीक है तो ये क्या हो गया फाइव बाई सिक्स हो गया ये फाइव और ये फाइव कट जाएगा ना बचेगा क्या इलेवन अपॉन सिक्स ओके सो वी हैव डन दिस इसके बाद देखते हैं कौन सा ओके नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन जब आप डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेटा तो आपको क्या ध्यान देना होता है देखो अगर मान लो ये एक नंबर है डेसिमल ये नंबर है ना पॉइंट टू इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिक्स के साथ में तो आपको क्या करना है बताए है? आपको डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है मतलब ये जो पॉइंट टू है ना ये पॉइंट टू उसको अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे ना टू बाय टेन बस एक बार ये स्टेप कर दिया उसके बाद आप इसको सॉल्व करो ठीक है और हाँ सॉल्व करते वक्त ध्यान देना अगर नीचे डिनोमिनेटर में टेन है हंड्रेड है थाउजेंड है ऐसा कुछ है ना जहां पे पीछे जीरो हो वन जीरो, या तो टेन हो हंड्रेड हो थाउजेंड हो ठीक है टेन थाउजेंड हो जो भी ऐसा कुछ अगर हो तो उसको कैंसिल मत करना क्योंकि वो लास्ट में आपको हेल्प करेगा अब देखो टू सिक्स क्या होता है ट्वेल्व होता है डिवाइड बाय टेन तो ट्वेल्व डिवाइड बाय टेन इसको आंसर अगर आप डेसिमल में करना चाहोगे तो क्या करोगे जब आप डिवाइड करते हो ना टेन से तो डेसिमल यहां पे आपको दिख रहा है क्या कहीं पे तो नहीं है ना डेसिमल असली में पीछे होता है इधर तो जब आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल मूव करता है लेफ्ट साइड कितने स्टेप जितने जीरो उतने स्टेप तो यहां से मूव करके इस तरफ आएगा है ना लेफ्ट साइड तो इस तरह से हमें डिवीजन करना होता है ओके okay. एक और आपको सम दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए 2.71 है इसको मल्टीप्लाई बाय फाइव से किया हमने तो 2.71 जो है पहले मैंने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2.71 अगर मैं 271 हंड्रेड लिखूं और मैं डेसिमल नहीं लिख रहा देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर है दो नंबर है ना तो डेसिमल के बाद यहाँ पे दो नंबर है तो यहाँ पे दो जीरो और वन कर दो तो 271 वन अपॉन हंड्रेड इन तो क्या मैं ये फाइव और ये हंड्रेड कट करूंगा नहीं कट नहीं करना मैंने बोला था ना कि टेन हंड्रेड थाउजेंड ऐसा कुछ हो तो कट नहीं करना तो नहीं करना यहाँ पे हंड्रेड रहने देना टू सेवेंटी वन इंटू फाइव फाइव वन फाइव फाइव सेवन सा थर्टी फाइव कैरी थ्री फाइव टू झा टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन वन थ्री फाइव फाइव अपॉन हंड्रेड अब यहाँ पे आपको कहीं पे डेसिमल दिख नहीं रहा ना इसका मतलब पता डेसीमल कहा है, है? इधर पीछे है यहाँ पे और ये डेसिमल लेफ्ट साइड मूव होगा क्यों क्योंकि आप हंड्रेड से डिवाइड कर रहे हो तो लेफ्ट साइड मूव होगा कितने स्टेप दो स्टेप क्योंकि यहाँ पे दो जीरो हैं तो दो स्टेप मूव होगा यहाँ पे था ना पीछे राइट यहां से वन टू क्या आंसर आएगा थर्टीन पॉइंट फाइव फाइव आप ऐसा नहीं बोलोगे थर्टीन पॉइंट फिफ्टी फाइव क्योंकि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होता है ना उसको आप सिंगल डिजिट में बोलते हैं ठीक है जैसे 1.25 नहीं बोलते क्या बोलते वन पॉइंट टू फाइव आई होप यू गॉट इट चलो देखते हैं आगे ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो देख लेते हैं ये वाला टॉपिक बहुत इजी है मैंने आपको यहां पे भी पढ़ाया आई थिंक लेट सी यहां पे मैंने कुछ तो आपको बता दिया राइट right? कैसे डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं अब अगर कोई नंबर है वो टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई डेसिमल है सपोज टू पॉइंट सेवन फाइव टू ये टेन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें क्या होगा पता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेसिमल राइट साइड मूव करेगा कितने स्टेप जितने जीरो हैं उतने स्टेप तो यहां पे एक ही जीरो है ना तो डेसिमल राइट साइड जाएगा कितने स्टेप एक स्टेप यहां पे था तो यहां से इधर आ जाएगा ओके तो जब मल्टीप्लाई करना हो तो डेसिमल मूव होगा राइट right साइड कितने स्टेप जितने जीरो उतने स्टेप आगे देखते हैं चलो अगर यही नंबर है टू पॉइंट सेवन फाइव टू इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो हंड्रेड से तो जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल जाएगा राइट right साइड कितने स्टेप दो स्टेप क्योंकि दो जीरो हैं तो यहां से वन टू 275.2 आंसर आ गया वैसे ही एक इसी नंबर को हम लोग देख लेते हैं फिर से आई होप अभी तक तो आप समझ ही गए अगर मैं थाउजेंड करूं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेसिमल जाएगा राइट right साइड कितने स्टेप जितने यहां पे जीरो हैं, उतने स्टेप जाएगा तो यहां पे था डेसिमल यहां से वन टू थ्री ठीक है तो टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू पॉइंट थ्री दिस इज द आंसर ठीक है बेटा तो इस तरह से ये रूल्स याद रखना कि अगर कोई डेसिमल है अब आप ये ट्राई करो खुद मैं नहीं बताऊंगा ये ट्राई करो अगर टेन से हो रहा है तो क्या आंसर आएगा अगर यही है वो हंड्रेड से हो रहा है नंबर तो क्या आंसर आएगा और थर्टी टू पॉइंट वन फोर सिक्स नाइन अगर थाउजेंड से हो रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा ठीक है ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने प्रैक्टिस करना और बताना कमेंट सेक्शन में चले देखते हैं टू पॉइंट फोर तो दो एक्सरसाइज बाकी है फर्स्ट वन फाइंड तो यहां पर पॉइंट टू इंटू सिक्स करना है हमें रिमेंबर तो हमें क्या करना था पॉइंट टू इंटू सिक्स पॉइंट टू को आप ऐसे लिख सकते हो ना टू बाई टेन इंटू सिक्स क्या करोगे यहां है टेन से और यहाँ पे डेसिमल कहीं पे दिख रहा है क्या आपको नहीं दिख रहा ना मतलब डेसिमल टू के पीछे है. और क्योंकि डिवाइड होगा तो डेसिमल किस तरफ आएगा लेफ्ट साइड आएगा कितने स्टेप एक स्टेप तो यहां से इधर आंसर क्या आएगा वन पॉइंट टू फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 4.6 सो so आप क्या करोगे यहां पे ये जो 4.6 है उसको आप उसको आप लिख दोगे 46 10 कैंसिल करना है नहीं कुछ भी कैंसिल मत करना नीचे 10 को रहन दो ऐसे ही 8 46 8 46 विल बी 368 10 तो यहां पे डेसिमल कहीं पे दिख रहा है बेटा 368 डेसिमल कहीं पे अगर ना दिखे तो समझ जाना कि डेसिमल पीछे है ओके okay, फिर एट के बाद है ना डेसिमल, तो लेफ्ट साइड मूव होगा कितने स्टेप वन स्टेप 36.8 इज द आंसर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 2.71 पॉइंट सेवन अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है 2.71 पॉइंट सेवन तो ये कैसे होगा कुछ नहीं भाई सेम सेम मेथड फॉलो करते जाओ 271 अगर मैंने लिखा तो यहां पे जो डेसिमल है ये डेसिमल को अगर मैंने हटा दिया और मैंने ऐसा 271 लिखा तो देखो इसके पीछे कितने डिजिट हैं दो डिजिट हैं तो यहां पे आप दो जीरो ऐड करके ऐसा कर दोगे है ना 2.71 को फ्रैक्शन में ऐसा लिखेंगे इंटू फाइव तो टू सेवेंटी वन इंटू फाइव वन फाइव 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 सेवन जटी फाइव फाइव केन थ्री फाइव फाइव अपॉन हंड्रेड किया हमने तो यहाँ पे क्या होगा अगर हंड्रेड किया है ना तो वन थ्री फाइव फाइव यहाँ पे डेसिमल पीछे है कितने स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड दो स्टेप क्योंकि दो जीरो है तो दो स्टेप जाएगा वन थ्री फाइव फाइव यहाँ पे पीछे है तो यहां से वन टू थर्टीन पॉइंट फाइव फाइव द आंसर चलो देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन फोर्थ वन जो है उसमें जीरो फाइव है ट्वेंटी पॉइंटी पॉइंट वन इंटू फोर है तो आप इसको क्या करोगे ट्वेंटी पॉइंट वन को अगर आप मैं ऐसे लिखू टू जीरो एक नंबर है ना वन डिजिट है तो यहां पे वन जीरो करके ऐसा कर देना ठीक है सिंपल इंटू फोर टू जीरो वन इंटू फोर वन फोर जा फोर फोर जीरो फोर टू जा एट एट अपॉन टेन अब यहां पे डेसिमल किधर है बताओ फोर के पीछे है है ना तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड कितने स्टेप एक स्टेप क्योंकि एक जीरो है तो एक स्टेप जाएगा तो इस विल द आंसर ठीक है सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तो मुझे अगले क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इतना तो मैंने बता दिया है तो आप कर सकते हैं बेटा ट्राई करिएगा ठीक है आगे देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला आपको पता ही होगी ये लेंथ है मान लो ये ब्रेड है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होती है ट इज लेंथ इंटू ब्रेथ ठीक है तो यहां पर लेंथ कितना है फाइव पॉइंट सेवन है सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है थ्री सेंटीमीटर तो आप ऐसा लिखेंगे फाइव पॉइंट सेवन सेंटीमीटर इंटू थ्री सेंटीमीटर तो आप फाइव बाई से फाइव पॉइंट सेवन इंटू थ्री करो फाइव पॉइंट सेवन के बदले में ऐसा लिख सकता हूं फिफ्टी सेवन बाय टेन यस इंटू थ्री तो फिफ्टी सेवन इंटू थ्री क्या होगा सेवन थ्री ट्वेंटी वन कैरी टू फिर थ्री फाइव फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन अपॉन तो टन अपॉन टेन दट इज सेवनटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर तो यहां पे होगा सेंटीमीटर स्क्वायर सो द एरिया ऑफ रैक्टेंगल इज सेवनटीन पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब यहां पे देखो ट्वेल्व क्वेश्चन है ना तो ट्वेल्व क्वेश्चन है उनमें हम लोग को फटाफट -फड़ यहां पे सॉल्व करना है राइट right? तो फर्स्ट वन ये कॉन्सेप्ट मैं क्योंकि आपको बता चुका हूं तो इसको मैं फिर से नहीं बताऊंगा डेसिमल जाएगा राइट right साइड कितने स्टेप वन स्टेप सो ये हो जाएगा थर्टीन ठीक है वैसे ही थर्टी सिक्स पॉइंट एट टेन इंटू टेन मतलब डेसिमल राइट साइड जाएगा एक स्टेप डेसिमल राइट साइड जाएगा एक स्टेप मतलब यहां पे आ जाएगा ओके थर्ड वन वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन टेन, टेन सो है डेसिमल राइट साइड जाएगा एक स्टेप तो वन फाइव थ्री सेवन डन फोर्थ वन वन सिक्सटी एट पॉइंट जीरो सेवन इंटू टेन डेसिमल जाना चाहिए राइट right साइड कितने स्टेप एक स्टेप एक स्टेप अगर जा रहा है तो वन सिक्स एट जीरो पॉइंट सेवन इस तरह से हो जाएगा फिफ्थ वन थर्टी वन पॉइंट वन इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड है बेटा तो डेसिमल राइट साइड तो जाएगा लेकिन दो स्टेप जाएगा दो स्टेप जाएगा, दो स्टेप जाएगा। पीछे तो कोई नंबर नहीं है तो थर्टी वन पॉइंट वन यहां पे है तो यहां से वन टू यहां पे आ जाएगा अब पूछोगे सर यहां पे लिखे क्या कुछ नहीं यहां पे आप जीरो लिख दो इधर भी आप जीरो लिख दो चलेगा तो आपका आंसर ये हो सकता है ठीक है ये चलेगा इजीली या फिर आप ये लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों राइट right. okay. uh, है ओके नेक्स्ट सिक्स वन वन फिफ्टी सिक्स इंटू वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट वन इंटू हंड्रेड आई थिंक दैट इज इट हंड्रेड है हाँ तो यहां पे आपका डेसिमल किस तरफ मूव होगा राइट साइड क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है कितने स्टेप दो स्टेप तो यहां पे पीछे तो कुछ नहीं है तो यहां पे है ना सिक्स और वन के बीच में तो यहां से वन टू इधर आ गया तो इधर जीरो कर दिया अब पॉइंट के बाद यहां पे जीरो लिखो ना लिखो चलता है तो आपका आंसर क्या आएगा वन फाइव सिक्स वन जीरो इतना नेक्स्ट वन देखते हैं सेवेंथ वन ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन सेवेंथ वन थ्री पॉइंट सिक्स टू इन टू हंड्रेडने डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है पीछे कितने जीरो हैं दो जीरो तो थ्री सिक्स टू डेसिमल यहां से राइट right साइड जाएगा कितने स्टेप दो स्टेप क्योंकि दो जीरो है ना इसीलिए तो यहां से वन टू ऐसा आप लिख सकते हैं या तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख दीजिए थ्री सिक्सटी टू तो भी चलेगा ओके फिर ये क्वेश्चन ये सब आप ट्राई कर सकते हैं बेटा अगर ना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए तो उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा ठीक है बट मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट तो ईजी है ना कोई भी अगर मान लो कोई भी नंबर है चलो ठीक है ये नंबर है टू फोर सिक्स इन अगर ये हो रहा है थाउजेंड तो क्या होगा ये जो डेसिमल है वो राइट right साइड जाएगा कितने स्टेप तीन स्टेप तीन स्टेप जाएगा यहां पे था ना तो यहां से वन टू थ्री आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना तो आप किसी भी तरह के सम को फिर सॉल्व कर पाओगे ठीक है चलो देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम ठीक है क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर में आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं यहां पे एक टू व्हीलर दिया हुआ है और वो टू व्हीलर फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर कवर करता है एक लीटर में है ना तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर टेन लीटर होगा तो ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड बाय अ टू व्हीलर अ टू व्हीलर इन वन लीटर वन लीटर पेट्रोल ठीक है वन लीटर पेट्रोल तो कितना डिस्टेंस है फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री किलोमीटर है एक लीटर में तो टेन लीटर में कितना होगा डिस्टेंस कवर्ड इन टेन लीटर्स टेन लीटर्स में कितना होगा है ना इन टू टेन करना पड़ेगा ना सो फिफ्टी फाइव पॉइंट थ्री इन टू टेन ये डेम राइट साइड जाएगा एक स्टेप क्योंकि एक जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा ना पीछे यहाँ पे था इधर से इधर आ जाएगा फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री किलोमीटर सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू व्हीलर इन टेन लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज फाइव हंड्रेड फिफ्टी थ्री चलो देखें आगे फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब दिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके तो मैं एक एक यहां पे क्वेश्चन ट्राई हूँ सॉल्व करने का ठीक है सो जितना हो को उतना सिंपल करेंगे चलो ठीक hmm, है तो आपको खाली ये देखना है कि जो भी डेसिमल नंबर होगा ना वो आप डेसिमल को भूल जाओ है ना फिर मल्टीप्लाई करो मान लो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव और थ्री दिया हुआ है वैसे तो अगर आप ऐसा देखते हो कि ट्वेंटी फाइव और थ्री है डेसिमल को आप भूल गए तो आपका यहां पे क्या आएगा आंसर सेवेंटी फाइव आएगा अब देखो क्या करना है यहाँ पे यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देना डेसिमल के बाद यहाँ पे कितने नंबर है एक नंबर यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर तो यहां पे एक नंबर और यहां पे एक नंबर दो नंबर हुए तो डेसिमल के बाद दो नंबर होने चाहिए कितने नंबर होने चाहिए दो नंबर होने चाहिए तो आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे राइट साइड से आपको दो स्टेप जाना है वन टू यहां पे आ जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा पॉइंट सेवन फाइव ये आपका आंसर होगा ठीक है खाली आपको डेसिमल को भूल जाना है फिर मल्टीप्लाई कर देना है फिर लास्ट में देखना है कि कितने डेसिमल कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं अब यहां पे देखो और है, तो और है, है? ठीक तो के बदले आप ऐसा करो वन लिख दो और फाइव वन सेवन लिख दो ठीक है तो आंसर क्या आएगा फाइव वन सेवन आएगा डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे एक नंबर है और यहां पे एक नंबर है तो डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए दो नंबर ओके तो यहां पे अगर है तो यहां से राइट साइड जाएंगे दो स्टेप वन टू तो आपका आंसर क्या आएगा 5.17 ठीक है तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा काफी इजी है थर्ड वन देखते हैं थर्ड वन यहां पे पॉइंट टू और थ्री वन सिक्स एट है तो खाली आप ऐसा करना टू इंटू थ्री वन सिक्स एट ऐसा अगर लिखोगे तो क्या होगा थ्री वन सिक्स एट इंटू टू करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए सिक्स थ्री थ्री सिक्स आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा यहां पे टाइम की कमी इसलिए मैं डायरेक्ट ये नहीं कर रहा ठीक है अब देखते हैं आगे इसमें डेसिमल के बाद देखो एक डिजिट यहां पे है और यहां पे एक डिजिट है कितना हुआ दो डिजिट हुआ तो यहां से अगर आप काउंट करो तो यहां से वन और टू तो क्या होगा सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री सिक्स दिस विल बी योर आंसर ओके okay, बेटा आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1.3 3.1 चलिए देखते हैं तो 1.3 3.1 आप इसमें डेसिमल अगर नहीं लगाते तो क्या होगा uh, 13 31 क्या होता है 13 31 दैट इज 403 अब आपको पता है यहां पे डेसिमल था और यहां पे डेसिमल था राइट right? तो डेसिमल के बाद ये एक नंबर और ये एक नंबर दो नंबर तो यहां से इसके पीछे से आप दो प्लेस जाएंगे वन एंड टू क्या आएगा आपका आंसर फोर पॉइंट जीरो थ्री ओके इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है ओके uh, okay. तो फिर से आपको क्या करना है आपको ये डेसिमल भूल जाना है पहले तो आप क्या लिखोगे यहां पे फाइव यहां पे फाइव तो ये फाइव फाइजा क्या होता है ट्वेंटी फाइव अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे एक डिजिट है और यहाँ पे दो डिजिट है तो ये एक और ये दो कितना हुआ तीन हो गया ना तो डेसिमल के बाद तीन नंबर होने चाहिए अभी डेसिमल यहां पे कहा है पीछे इधर यहां पे यहां से वन टू और थ्री इधर आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा जीरो इधर क्या आएगा जीरो सो वॉट विल बी योर आंसर जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व किया है ना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेवन पॉइंट पॉइंट वन फाइव तो आप क्या करते हैं आप वन वन टू करते हैं राइट ये डेसिमल हटा के आप इस तरह सॉल्व करेंगे सो so आप बेटा मल्टीप्लीकेशन आप अपने आप कर लेंगे फटाफट तो हो जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिएगा मैं डायरेक्ट यहां पे बताता हूं कि क्या होगा देखो वन सिक्स एट जीरो है ठीक है अब देखो डेसिमल के बाद यहां पे एक नंबर है यहां पे दो नंबर है तो टोटल तीन नंबर हो गए तो यहां से डेसिमल आपका शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड कितने प्लेस तीन तीन प्लेस राइट थ्री प्लेसेस वन टू और थ्री तो आपका आंसर क्या आएगा वन पॉइंट सिक्स एट जीरो ठीक है, है बेटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ना ज्यादा ठीक रहेगा तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप डेसिमल हटा के इस तरह से कर देंगे सेवनटीन टू जा क्या होगा थर्टी फोर अब देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ पे दो नंबर है यहां पे दो नंबर है टोटल तीन नम, चार हुए तो डेसिमल के बाद चार डिजिट होने चाहिए तो यहां से पीछे फोर के पीछे से डेसिमल निकलेगा वन टू थ्री और फोर यहां पे आ जाएगा राइट right? तो जहां पे जगह है वहां पे जीरो जीरो कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा आपका आंसर ये आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर ऐसा नहीं बोलोगे जीरो 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 पॉइंट जीरो जीरो थ्री फोर थर्टी फोर नहीं बोलोगे थर्टी फोर नहीं बोलना है क्या बोलना है थ्री फोर लास्ट में है ना ओके okay. तो इसके बाद और कोई क्वेश्चन है क्या इसके बाद क्वेश्चन बचा है I think, uh, yes. कुछ क्वेश्चन तो है मैं फटाफट -फड़ यहाँ पे करा देता हूं टेन पॉइंट जीरो फाइव इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले आप ये लिख देंगे यहाँ पे डेसिमल भूल के डेसिमल को हटा के आप पहले ये लिख देंगे है ना इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे राइट तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आप मल्टीप्लाई करना आपको आता है इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप नहीं बताऊंगा डायरेक्ट यहां पे बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए वन जीरो फाइव फाइव टू फाइव अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे दो नंबर है यहां पे दो नंबर है टोटल चार नंबर हुए तो यहां से ये यह फाइव के पीछे से स्टार्ट होगा राइट फोर प्लेसेस वन टू थ्री एंड फोर तो आपका आंसर क्या आएगा टेन पॉइंट फाइव फाइव टू फाइव ओके लेट्स डू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन देखते हैं अभी नेक्स्ट वन जो है आपका वो है वन जीरो वन पॉइंट जीरो वन इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन तो आप इसको ऐसे लिखेंगे डेसिमल को हटा दीजिए यहां पर लिख दिए वन तो आपका आंसर तो वही आएगा ना बट आप देखिए यहां पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है यहां पे दो डिजिट है तो डेसिमल अभी किधर है यहाँ पे, तो पे बेटा पीछे है तो आपको कितने प्लेस आ, लेफ्ट साइड जाना है चार फोर प्लेसेस ये दो और ये दो चार प्लेस हुआ फोर प्लेसेस सो यहां से वन टू थ्री फोर सो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए वन पॉइंट जीरो वन जीरो वन ठीक है चलो अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए ना तो आपको आई थिंक ये समझ में तो आ गया होगा कि भाई कैसे सॉल्व करते हैं तो आप आगे स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है ये है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं वन जीरो 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 वन इंटू राइट मल्टीप्लाई करना क्योंकि आपको आता है तो मैं इसको ज्यादा समझाऊंगा नहीं मैं यहां पर लिख देता हूं अब डेसिमल के बाद दो डिजिट है यहां पे एक है तो दो और एक कितना हुआ तीन हुआ तो यहां से डेसिमल मूव होगा थ्री प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वन टू एंड थ्री तो आपका आंसर क्या आएगा इस तरह से आएगा वन हंड्रेड टेन पॉइंट जीरो वन वन ओके अब बढ़ते हैं लास्ट एक्सरसाइज की तरफ ओके okay, बेटा तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए डिवाइड तो डिवाइड अगर है तो पहले पॉइंट फोर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो वो क्या होगा टेन होगा राइट डिवाइड बाय टू है तो वो डिवाइड की साइन जो है उसको आप मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट करोगे ना अगर तो ये क्या बन जाएगा टू है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय टू राइट अब वन बाय टू अगर होगा रेसिप्रोकल तो यहां पे कुछ सॉल्व होगा यस टू टू जा फोर क्या बचा टू अपॉन टेन बचा ना अब टू अपॉन टेन का डेसिमल क्या होता है पॉइंट टू आई होप आपको ये समझ में आया होगा ठीक है अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट थर्टी फाइव पॉइंट थ्री फाइव डिवाइड बाई फाइव सो इसको हम लोग लिखते हैं थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड इस तरह से राइट पॉइंट थ्री फाइव को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड फिर डिवाइड बाय फाइव नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं थर्टी फाइव अपॉन हंड्रेड जो है उसके बाद जो डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन में कन्वर्ट किया और वन फाइव के बदले क्या लिखेंगे वन बाय फाइव लिखेंगे अब बेटा ध्यान देना यहां पे जितना भी हो सके उतना कैंसल करो और नीचे डिनोमिनेटर में अगर नीचे टेन बचता है हंड्रेड बचता है थाउजेंड बचता है तो आप इजिली सॉल्व कर पाओगे इसलिए उसको रहन देना तो ये हंड्रेड को हम लोग कट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे फाइव सेवन जा थर्टी फाइव क्या हुआ यहां पे सेवन अपॉन हंड्रेड ये आया ना तो सेवन अपॉन हंड्रेड को डेसिमल में कैसे लिखते हैं जीरो पॉइंट जीरो सेवन ठीक है अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टू पॉइंट फोर एट टू पॉइंट फोर एट को हम लोग ऐसे लिखते हैं टू हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाय हंड्रेड तो यहाँ पे डिवीजन की साइन और यहाँ पे फोर अब ये हंड्रेड को कुछ भी नहीं करना ऐसे रह दो और यहां पे डिवाइड की जो साइन है उसको मल्टीप्लाई करो और फोर के बदले क्या लिखोगे वन बाय फोर लिखोगे इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं ठीक है टू हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाय हंड्रेड इंटू वन बाय फोर यही था ना ठीक है तो टू हंड्रेड फोर्टी एट क्या ये फोर से कट होगा 248 क्या है? फोर से कट होगा यस yes, चलो देख लेते हैं यहां पे 248 हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाय फोर फोर सिक्स फोर और यहां पे एट आएगा राइट फोर टू 8. एट तो यस yes, हमने देखा कि ये फोर से कट हो रहा है फोर 62. तो अब क्या बचा सिक्सटी टू बाय 100. सो सिक्सटी टू बाय हंड्रेड इसको आप डेसिमल में कैसे लिखते हैं इस तरह से ना पॉइंट सिक्स टू ठीक है क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूं इसलिए मैं इस स्टेप में नहीं समझा रहा अब आगे देखते हैं लेट सी नाउ कौन सा है पे क्वेश्चन सिक्स टू फोर एट है ठीक है अब सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर डिवाइड बाय सिक्स है तो इसको आप पहले क्या करेंगे 654 डिवाइड बाय 10 करेंगे ना डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो यहां पे डिवाइड बाय 10 होगा और ये डिवाइड बाय 6 सो so, 654 डिवाइड बाय 10 ये जो डिवाइड की साइन है उसको आप मल्टीप्लाई की साइन कन्वर्ट करोगे और 6 के बदले क्या लिखोगे 1 बाय 6 सो so, 654 डिवाइड बाय 6 क्या पॉसिबल है तो देख लीजिए यहाँ पे पॉसिबल तो होना चाहिए सिक्स वनजा सिक्स सिक्स मानेस सिक्स जीरो ये फाइव नीचे आएगा तो फाइव से सिक्स पॉसिबल तो नहीं ना तो सिक्स जीरो जा जीरो ये फाइव बचेगा ये फोर नीचे आएगा सिक्स नाइन फिफ्टी फोर ओके तो हो गया ना सिक्स इंटू वन जीरो नाइन तो यहां पे ऊपर हुआ वन जीरो नाइन और नीचे हुआ टेन तो आपका आंसर क्या आना चाहिए यहां पर डेसीमल है ना यहाँ पे पीछे है और नीचे यहाँ पे जीरो है तो ये डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड वन स्टेप तो वन जीरो पॉइंट नाइन ओके सॉरी फिर से एक बार लिख दू वन जीरो पॉइंट नाइन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वन सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट टू डिवाइड बाय फोर ठीक है डिवाइड बाय फोर तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सिक्स फाइव वन टू डि देखो डेसिमल के बाद एक नंबर है ना तो यहाँ पे एक जीरो डिवाइड की साइन है उसके बदले मल्टीप्लाई की साइन ये जो फोर है वो क्या हो जाएगा वन बाय फोर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे टेन को रहने दो कुछ मत करना उसको सिक्स फाइव वन टू डिड बाय फोर क्या ये फोर और ये सिक्स फाइव वन टू कैंसल होगा कुछ कुछ भी करके कैंसिल तो होना चाहिए ना नहीं तो दिया ही नहीं होता क्वेश्चन में है ना सिक्स फाइव वन टू डिवाइड बाय फोर फोर वन झा फोर सिक्स माइनस फोर टू ये फाइव नीचे आएगा फोर सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर वन आएगा यहां पे ये वन नीचे आएगा तो इलेवन हो जाएगा फोर टू uh, जा एट यहां पे थ्री बचेगा अब ये टू नीचे आएगा तो ये हो गया थर्टी टू फोर एट जा थर्टी टू डन सो हमारा आंसर क्या आया वन सिक्स टू एट सो यहाँ पे वन सिक्स टू एट सो आई विल राइट डाउन दिस अपॉन टेन तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर यहाँ पे डेसिमल पीछे होता है पीछे पीछे है कितने स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड वन स्टेप क्योंकि वन जीरो है तो so, यहां से इधर वन सिक्स टू एट राइट हो गया आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन फोर पॉइंट फोर नाइन डिवाइडेड बाय सेवन तो वन फोर फोर नाइन ये लिखा हमने डेसिमल तो के बदले डेसिमल के बाद देखो दो नंबर है दो डिजिट है तो यहां पे दो जीरो ये डिवाइड है डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई के साइन तो सेवन का रेसिप्रोकल क्या होगा वन बाय सेवन अब इसको सॉल्व करते हैं ना न फोर फोर सेवन को सोल्व वन फोर फोर नाइन को सोल्व करते हैं वन फोर फोर नाइन डिवाइड बाय सेवन सेवन टू जा फोर्टीन जीरो बचा यहाँ पे तो फोर आया तो सेवन के टेबल में फोर नहीं आता ना छोटा नंबर है तो फोर सेवन जीरो फोर बचा ये नाइन नीचे आएगा अब फोर्टी नाइन हो गया ना सेवन सेवन जोटी नाइन डन तो हमारा आंसर क्या 207 आ रहा है टू जीरो सेवन आ रहा है दिस इज टू जीरो सेवन टू जीरो सेवन अपॉन हंड्रेड बेटा टू जीरो सेवन है तो डेसिमल किधर है अभी डेसिमल यहां पे है डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा दो स्टेप दो जीरो है तो दो स्टेप यहां से वन टू राइट हो गया अब कौन सा क्वेश्चन बचा यहां पे? वन फोर फोर नाइन वाला हो गया अब थ्री पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइड बाय फोर थ्री पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाय 4 तो आप क्या लिखेंगे 396 लिखेंगे डिवाइड बाय 100 ऐसा क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट है ना तो यहाँ पे 100 हो जाएगा ये डिवाइड की साइन है उसको मल्टीप्लाई की साइन में कर दो तो, कन्वर्ट और 1/4 लिखो यहाँ पे 4 का रेसिप्रोकल 1/4 फिर ये 100 को कुछ मत करना 396 जो है उसको डिवाइड बाय 4 करो 4 9 36 39 36 बचेगा ये सिक्स नीचे आएगा अब हो सकता है फोर नाइनजा थर्टी सिक्स सो हमारा यहां पे आंसर क्या आ रहा है नाइनटी नाइन आ रहा है तो नाइनटी नाइन अपॉन हंड्रेड नाइनटी नाइन पे डेसिमल किधर है यहां पे पीछे ठीक है अब यही डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा दो स्टेप यहां से वन टू यहां पे आ जाएगा ओके वी आर डन अभी और कुछ बाकी बचा अभी इसमें हाँ इसमें एक क्वेश्चन बाकी है एक क्वेश्चन है जो बाकी है सो लेटमी रब इट इसको मैं रब पूरा कहता हूं ठीक है अब इसमें जो क्वेश्चन है बाकी वो कर लेते हैं पॉइंट एट जीरो डिवाइड बाय डिवाइड बाय फाइव सो पॉइंट एट जीरो के बदले आप क्या लिखोगे आप लिखोगे एटी अपॉन हंड्रेड डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई की साइन और यहां पे सॉरी यहाँ पे वन बाय फाइव फाइव और एटी कट होगा यस फाइव इंटू वॉट विल बी एटी फाइव इंटू सिक्सटीन फाइव सिक्सटीन जा एटी सिक्सटीन अपॉन हंड्रेड सो योर आंसर इज पॉइंट वन सिक्स ओके डन So, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया अब देखते हैं नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन और भी इजी है काफी इजी ये वाले क्वेश्चन तो इनको हम लोग फटाफट फड़ सॉल्व कर पाएंगे ओके टू पॉइंट सेवन डिवाइड बाय हंड्रेड डिवाइड करेंगे तो डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड किस तरफ लेफ्ट साइड कितने स्टेप जितने जीरो हैं उतने स्टेप तो यहां पे यहां पे है ना डेसिमल तो यहां से यहां से वन टू इधर आ जाएगा और यहां पे आप जीरो कर दो इधर भी आप जीरो कर दो दिस इज योर आंसर फिर पॉइंट थ्री डिवाइड बाय हंड्रेड डेसिमल दो स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड राइट तो यहां पे है इधर है वन टू इधर आ गया तो इस तरह से आपका आंसर आएगा पॉइंट जीरो जीरो थ्री या फिर जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नेक्स्ट है पॉइंट सेवन एट डिवाइड बाय हंड्रेड सेवन एट लिखो डेसिमल लेफ्ट साइड जाने वाला है दो स्टेप तो यहां से वन टू तो यहां पे कुछ नहीं है ना तो यहां पे इस तरह से पहले ब्लैंक्स कर दो ब्लैंक कर दी उसके बाद फिर वन टू हो गया जीरो पॉइंट जीरो सेवन एट डन फोर्थ क्वेश्चन फोर थ्री टू फोर थ्री टू ठीक है फोर्थ क्वेश्चन है फोर थ्री टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय हंड्रेड फोर थ्री टू पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय हंड्रेड क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डेसिमल इधर है ना यहां से डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड कितने स्टेप दो स्टेप क्योंकि दो जीरो है तो दो स्टेप जाएगा यहां पे था वन टू दिस विल बी योर आंसर ठीक है फिर 23.6 थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई हंड्रेड ट्वेंटी थ्री पॉइंट डिवाइड बाय 100. सो so, आपने यहां पे लिख दिया डेसिमल जाना चाहिए दो स्टेप लेफ्ट साइड वन टू पॉइंट टू थ्री सिक्स ओके फिर लास्ट वाला है 98.53, 98.53 डिवाइड बाय 100, 100 ही ना हाँ, ठीक है तो यहां पे डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड क्योंकि डिवाइड हो रहा है दो स्टेप जाएगा दो जीरो हैं तो यहां से वन टू इधर आ जाएगा ओके वी आर डन तो क्वेश्चन टू हो गया सॉल्व अब देखते हैं आगे आगे कौन सा है यहां पे भी इजी है ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है तो, सेम वैसा ही तो क्वेश्चन है थर्ड वन ठीक है थर्ड वन आई थिंक यही वैसा ही क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना चाहिए ये फोर्थ वन तो चलिए देखते हैं डिवाइड बाय डिवाइड है डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा तीन स्टेप यहां से तीन स्टेप जाना चाहिए तो यहां से वन टू थ्री इधर आप जीरो जीरो कर सकते हैं ओके okay? लेट मी चेंज द कलर डजन लुक गुड रेड बहुत ज्यादा हो गया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट थ्री डिवाइड बाय थाउज तो यहां पे डेसिमल जाना चाहिए लेफ्ट साइड तीन स्टेप तीन स्टेप ना यहां पे है तो इधर आगे ऐसे ब्लैंक्स कर लेते हैं यहां पे है वन टू थ्री पॉइंट जीरो टू सिक्स थ्री नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 38.53 है डिवाइड बाय 1000. सो योर आंसर विल बी डेसिमल शुड मूव लेफ्ट साइड कितने स्टेप तीन स्टेप तीन स्टेप मूव करना चाहिए यहां पे है ना वन टू थ्री ओके डन अब ये फोर्थ और फिफ्थ आप अपने आप ट्राई कर लेना एक बार बेटा क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई दिया है आपको देखते हैं आगे अब फिफ्थ वन जो है ना इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है आपको जब दो नंबर है एक डेसिमल है और दूसरा डेसिमल नहीं है या फिर दोनों डेसिमल नंबर है ठीक है तो क्या कर सकते हैं अपने जो मैंने पहले बताया था वैसा ही करना है हमें चलो कमऑन लेट्स डू इट फर्स्ट क्वेश्चन है सेवन डिवाइड बाय थ्री पॉइंट फाइव तो क्या करेंगे सेवन डिवाइड बाय थ्री पॉइंट फाइव के बदले आप क्या लिखोगे थर्टी फाइव अपॉन टेन और फिर ये डिवाइड की साइन जो है वो मल्टीप्लाई की साइन बन जाएगी और दूसरा नंबर उसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होगा थर्टी फाइव का रेसिप्रोकल टेन अपॉन थर्टी फाइव फिर कैंसल आउट करो ऑन सो सेवन फाइव थर्टी फाइव टेन अपॉन फाइव टेन अपॉन फाइव का आंसर क्या आएगा टू आएगा ना तो ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट वन, वन हमने सॉल्व कर दिया सेकेंड वन थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइड बाय तो थ्री पॉइंट सिक्स है पहले उसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में थर्टी सिक्स बाय टेन डिवाइड बाय पॉइंट टू को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में टू अब अभी जो डिवाइड की साइन है उसके बदले मैं मल्टीप्लाई की साइन करता हूं तो ये जो टू बाई टेन है उसका रेसिप्रोकल टेन बाय टू ये टेन टेन कट हो गया थर्टी सिक्स बाय टू टू एक्स सो एटीन विल बी योर आंसर ओके देन डिवाइड बाय तो हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड करेंगे यहाँ पे जो डिवाइड की साइन है उसको आप मल्टीप्लाई नहीं अभी मत करो बाद में करना फाइव बाय टेन थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय हंड्रेड यहाँ पे डिवाइड की साइन है उसको आप मल्टीप्लाई की साइन कर दो और यहाँ पे टेन बाय फाइव कर दो ठीक है ये जीरो और ये जीरो कट हो गया अब थ्री हंड्रेड ट्वेंटी हो सकता है yes. so यस सो पे अगर डिवाइड बाय करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे दैट विल बी सिक्सटी वन ठीक है सिक्सटी वन नहीं सॉरी होना चाहिए सो सिक्स डिवाइड बाय टेन अगर करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट आगे आगे यहां पे है थर्टी पॉइंट नाइन फोर डिवाइड तो आप क्या करेंगे डिवाइड बाय डेसिमल के बाद दो नंबर हैं तो यहां पे डेसिमल के बाद यहाँ पे नीचे हंड्रेड कर देंगे पॉइंट सेवन है उसके बदले क्या कर देंगे सेवन बाय टेन फिर थ्री जीरो नाइन फोर यहाँ पे हंड्रेड तो है ये डिवीजन के साइन के बदले मल्टीप्लीकेशन की साइन टेन अपॉन सेवन ये एक जीरो एक जीरो कट होगा थ्री जीरो नाइन फोर डिवाइड बाय सेवन अगर करें थ्री जीरो नाइन फोर डिवाइड बाय सेवन अगर करते हैं तो आपका होना चाहिए आंसर यहां पे फोर फोर टू सो फोर फोर टू डिवाइड बाय टेन इट विल बी फोर्टी फोर पॉइंट टू ठीक है तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किए हैं आई थिंक ये काफी समय इसके बाद अब आगे ट्राई करना प्रैक्टिस करना ठीक है इतना तो मैंने कर दिया है अब एक वर्ड प्रॉब्लम बाकी है जो हमारे इस इस चैप्टर का और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है अ वेहीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स तो आप लोग यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड राइट डिस्टेंस कवर्ड इन टू पॉइंट फेस टू पॉइंट फोर लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होता है दैट इज फोर्टी थ्री पॉइंट टू किलोमीटर सो हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन वन लीटर सो आपको फाइंड आउट करना है कि अगर टू पॉइंट फोर लीटर में इतना डिस्टेंस कवर होता है तो वन लीटर में कितना डिस्टेंस कवर होगा जब भी आपको वन के लिए पूछा जाए ना कि वन लीटर में कितना कवर होगा क्या होगा वन वन आ जाए ना कि भाई क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ ऊपर सामने सामने और यहाँ पे पूछा कि भाई वन में कितना होगा तो हमेशा डिवाइड करना डिवाइड करना कैसे डिवाइड करेंगे लोग देखो 2.4 है ना 2.4 के बदले वन हो गया तो 2.4 किधर गया 2.4 इसके नीचे आ गया ऐसे ठीक है इस तरह से समझना राइट या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कर सकते हो एक तरफ डिस्टेंस है एक तरफ लीटर है ठीक है डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस है 43.2 किलोमीटर और लीटर कितना है 2.4 अगर वन लीटर में फाइंड आउट करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग इस तरह से राइट right? तो वैसे भी आपको ऐसे ही करना होगा फोर्टी थ्री पॉइंट टू इंटू वन ऊपर और टू पॉइंट फोर नीचे तो इसको सॉल्व करते हैं चलो फोर्टी थ्री पॉइंट टू के बदले आप क्या लिखोगे फोर हंड्रेड थर्टी टू डिड बाय 10 और यहां पे जो 2.4 है उसके बदले 24 लिखोगे और उसका जो 10 होगा वो ऊपर आएगा तो ये 10 ये 10 कैंसल राइट right. तो यहां पे 24 और यहां पे होगा 18 सो दिस विल बी 18 किलोमीटर तो आपका आंसर आएगा द डिस्टेंस कवर्ड इन वन लीटर वन लीटर पेट्रोल इज 18 किलोमीटर ओके okay. सो बच्चों ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है आई नो बट मैंने ट्राई किया है कि ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट को मैं कवर करूं और हर कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन दू और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है डिसाइपल ये टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे तो उसमें आप अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हैं और उन डाउट्स को हम लोग जितना जल्दी हो सकेगा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ठीक है थैंक यू सो मच वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा अगर आपको सही में समझ में आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के लिए ओके सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय